मैं बैठ करके दूध पीता हूँ, मैया जब मेरे को मक्खन खिलाती हैं, ये गोपियों का हृदय में भी ये भावना आती है, क्या कभी कृष्णा हमारे घर में भी आएंगे, कभी हम भी कृष्ण को कभी गोद में बैठा करके उनको मक्खन खिलाए, कभी उनको दूध पिलाए। अब इनके मन में भी ये भावना है। अब इनकी भावना को समझ करके कृष्णा, एक दिन कृष्ण ने क्या की, अपना ग्वाल बालों को बुलाए, बुला करके बोले देखो सखाओ हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा भैया नया खेल है? बोले हम मक्खन चोरी करेंगे। बोले गंदा चीज है, चोरी अच्छी चीज थोड़ी है। बोले थोड़ी हम रुपया पैसा चोरी करेंगे, हम तो खाने पीने का चीज चोरी करेंगे। एक दिन कृष्णा बोले दूसरों को घर में मक्खन चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके हम देख लेते हैं। मैया की नजर बचाते हुए एक दिन कृष्णा अपना घर में उखल के ऊपर खड़े होकर के मक्खन चोरी कर रहे थे। अभी कृष्णा को उम्र तो केवल 2.5-3 साल के कृष्ण है, इनको पता नहीं भैया परछाई भी कोई चीज होता है। नंद बाबा का जो घर है वो हीरे जवाहरातों से बना हुआ, जो पिलर है वो मणि से बनी हुई ये पिलर है। जब कृष्ण मक्खन चोरी करके खा रहे थे, उनका परछाई ये पिलर के ऊपर में पड़ा। कृष्ण सोचा जैसे मैं मक्खन खा रहा हूँ, शायद मेरे घर में मेरे जैसे कोई बच्चा भी आकर के मक्खन चोरी कर रहा है। कृष्ण को पता नहीं चला अपना परछाई, सोचा भैया ये तो मैं देख लिया, मैया को बोल नहीं दे, इसको साथ में मैं मित्रता कर देता हूँ। कहते मित्रता कैसे बनाएंगे? बोले उसको कुछ खिलाओ और उसका हाथ से कुछ खाओ, तभी मित्र बन जाओगे। कृष्ण बोले देख भैया तुले तू भी मक्खन खा, मैं भी मक्खन खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। अभी परछाई भी वही बोला, तू भी खा मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। मैया को माता जी हरे कृष्णा, ए हो गया बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं भैया तू भी खा मैं भी खाता हूँ, इसलिए मैया को बोलना नहीं। मैया को परछाई भी वही बोला, परछाई जब वही बोला, इतने में कृष्ण बोले भैया तू मेरे घर में आकर के मेरे को उपदेश दे रहे हो, हैं? मेरे को तू उपदेश दे रहे हो, परछाई भी वही बोला। तो इतने में पास घर में मैया काम कर रही थी, सोच रही भैया घर में तो कोई है नहीं, लेकिन ये किसको साथ में लड़ाई कर रहा है। इतने में मैया देखने के लिए आई, देखा कृष्णा अपना परछाई को साथ में भी लड़ाई कर रहा है। इसको देख करके मैया ने बोले देखो मेरे लाला कितने भोले वाले हैं, मेरे लाला कितने भोले वाले। बोले कृष्ण तू किससे लड़ रहे हो? कृष्ण देखा भैया मैया भी देख लिया, कृष्ण वहां से छलांग लगाई, वो जो परछाई था जो पिलर था ना, उन्होंने पिलर को ही उन्होंने पकड़ करके बोले मैया हमारे घर में एक चोर आ गया है। बोले वो चोर कहाँ है? बोले देखो ये पिलर को अंदर में है। मैया ने देखा देखो ये कितने भोले वाला, देखो अपना परछाई को कहते चोर घर में आ गया। मैया बोली ये बताओ घर में तो चोर आ गया, लेकिन तेरे हाथ में ये मक्खन कहाँ से आई? कृष्ण देखा ये भी ठीक है। बोले मैया तुमने मेरे हाथ में जो कंगन पहना दी थी ना, ये गर्म हो गया था, इसको मैंने मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कहाँ से आया? बोले भैया ये भी सही है। बोले मैया की चिट्ठी चल रहा था, वो चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह में मक्खन लग गई। मैया बोली लाला तू मेरे अकेले लाला हो, जो कुछ मैं करती हूँ तेरे लिए, फिर बताओ तुमको इसको चोरी भोरी करने का क्या जरूरत है? कृष्ण ने देखा जीवन में मैं पहला बार पकड़ा गया चोरी करते हुए, लगता है भैया जिंदगी भर में पकड़ा में जाऊंगा। एक दिन कृष्णा किसी दूसरे घर में मक्खन चोरी करते थे, गोपी रोज रोज कृष्ण मैया को शिकायत करती थी। मैया बोली देखो तभी कोई बच्चा चोरी करेगा जब घर में कमी हो, लेकिन मेरे घर में तो दूध दही की नदी बह रही है। आप लोग नंदगांव कोई जा करके देखोगे एक कुंड है जिसका नाम छाछ कुंड है, मतलब है इतने छाछ होते था पीने वाले कोई नहीं होते थे, उसको लेकर के उसी तालाब में उड़ाल देते थे। न लाख गैया मैया जसोदा के घर में,
वहां पर एक दिन मैया ने नंद बाबा को बोले, बोले लगता है मेरे लाला कमजोर हो रहा है। बोले लाला कमजोर हो रहा है? बोले हाँ। बोले कल एक दूध का तालाब बना देता हूँ, लाला मेरा खूब तैरे और खूब मक्खन दूध पिए। दूसरे दिन उन्होंने दूध को तालाब बना दिया नंद बाबा। क्यों? 9 लाख गैया जिनकी घर में, और एक एक गैया नहीं, वो कौन गैया, एक एक सुरभि गाभी, साधारण गैया नहीं। बोले मेरे घर में क्या कमी जो मेरे लाला दूसरे घर में चोरी करने के लिए जाएगा? इसलिए मैं तभी मानूंगी जब रंगे हाथों से पकड़ा करके दिखा दो। बोले ठीक है, कल मैं दिखा दूंगा। वो गोपी कृष्ण के लिए मटके में मक्खन धर करके धर दी और कोने में छुप करके बैठे। जब कृष्ण आए बिल्ली जैसे धीरे धीरे और मक्खन खाने लग गए। जब खा लिया ना, इतने वो गोपी कृष्ण को पकड़ लिया। बोले आज कहाँ जाओगे, मैया मानती नहीं तू मक्खन चोरी करते, चलो सीधा मैया के पास में। कृष्ण ने कहा गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही खा रहा था। बोले अपना घर में खा रहे थे? हैं, दूसरे घर में खा रहे? बोले अपना घर में। बोले आज छोड़ दे, कल से नहीं आऊंगो। बोले तेरे पाम पड़ता हूँ, तेरे बिछुआ की, तेरी सास की, तेरी ननद की, तेरी खसम की, लेकिन छोड़ दे आज, कल से नहीं आऊंगो। बोले नहीं, सीधा चल मैया के पास में। अभी वो गोपी कान्हा को लेकर के आ रही थी, ठीक नंद भवन को सामने नंद बाबा बैठे। नंद बाबा लगते थे जेठ, आपको पता होगा जेठ को सामने सब पर्दा करते। अभी उन्होंने जेठ को देख करके उन्होंने पर्दा खींच ली और लाला को ऊपर कपड़े से ढक दी। ढक करके बोले पीछे रास्ता से ले जाऊंगी। पीछे घूम करके आ गई, बोले मैया जसोदे। मैया बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला मेरे घर में रोज रोज मक्खन चोरी करता है, आज तो मैं रंगे हाथों से पकड़ करके लाई हूं। इतने में उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पलंग के ऊपर में थपथप लगा करके सुला रही थी। मैया बोली भैया किसको लेकर के आए, मेरे लाला तो यहाँ सो रहा है। मैया बाहर निकल करके आई, बोले क्या बात है? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। बोले लगता है आज भांग की गोला तुमने ज्यादा खा ली। अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना लाला को पकड़ करके लाई। मेरे लाला? अपना घूंघट खोली, जब कपड़ा खोली ना बच्चे को सर को ऊपर से देख, अपना लाला, क्योंकि भगवान है ना कृष्ण, झट उसकी बच्चा बनी गए ठाकुर जी, वो ईश्वर है ना। बोले भैया ये दरवाजा था, कहते कृष्ण था, ये कपड़ा ढकते मेरे लाला कैसे बन गया? बोले तू कहां से आया? मैं तो कृष्ण को पकड़ करके लाई थी। बोले नहीं, तू तो मेरे को ही पकड़ करके लाई थी। बोले तेरे को कहा? दरवाजा था, कहते कृष्ण था, कपड़ा ढकते ही तू लाला कैसे बन गया? इतने में कृष्ण सो रहे थे अंदर में, आंख को मलते मलते आ। बोले मैया तुमने देख लिया ये गोपी कितनी झूठ बोलती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं, अगर ये ऐसे झूठ बोलेगी ना मैं कल सचमुच से जाएंगी। इतने में वो गोपी इतने शर्मिंदा में पड़ गई, सर झुक गई। मैया बोली खबरदार ऐसे कभी झूठ मूठ मेरे लाला के ऊपर में दोष नहीं लगाना। वो गोपी जब जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले क्यों गोपी, क्या बात है? मैंने कितने तुम्हारी पाम पड़ी, तेरे खसम की, तेरे ननंद की, तेरे सास की, तुम मानी नहीं ना मेरे को जोर जबरदस्ती आई लाई। देखा आज तेरे बेटे को ही मैंने चोर बना दिया, आइंदा में कभी मेरे को पकड़ करके लाओगे ना तेरे खसम को चोर बना दूंगा। मैया बोली लाला तू जीत गया, मैं हार गया। ऐसे ही कृष्ण घर घर में चोरी करते थे। एक दिन क्या हुआ, ब्रज में एक नई गोपी आई, बड़ी लिखी, बड़ी बड़ी चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण घर घर में तो मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन किसकी पकड़ में नहीं आता। बोले मैं देख लूंगी, हाँ चीज ना रखे अपनी, चोर ने गाली दे, अपना चीज तो रख नहीं पाते, चोर को गाली देते हैं। वो गोपी तो सवेरे सवेरे लठिया लेकर सीधा घर के सामने बैठी गई, आज मैं देखूंगी। इतने में कृष्ण ग्वाल वालों को साथ में एक चक्कर लगाए, देखा वो गोपी लठिया लेकर के तो घर के सामने बैठी हुई, वहां से हटी नहीं रही है। कृष्ण दूसरे चक्कर लगाए, देखा वो तब भी नहीं हट रही है। जब उसने तीसरे चक्कर लगाए ना, गोपी बोले कन्हैया दाल आज गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूं। कृष्ण बोले मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तेने मेरे को टोक दी। बोले मेरे को सब कुछ तेरे नारी नक्षत्र पता, तू कहां जाता कहां नहीं जाता, कल अगर इसी गली में आया ना पकड़ करके सीधा माँ के पास में ले जाऊंगी। कृष्ण तो दूसरे दिन ही डर के मारे वो गली में ही आना छोड़ दिए।
एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर हो गया, लेकिन ये गोपियों को कृष्ण को देखे बगैर चैन कहां पड़े। इसलिए भगवान श्री गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांगम पश्यताम कुटिल कोंतलम श्री मुखम चते। हैं कृष्ण जब गैया चराते हुए आते हैं ब्रज में, कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्रभु बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि सुन करके जितने गोपियां जितने गोप, क्योंकि दिन भर कृष्ण दर्शन मिला नहीं, कृष्ण को दर्शन करने के लिए सबके सब बाहर निकलती हैं। गोपियां जब अपना घूंघट उठाकर कृष्ण को दर्शन करती हैं, आंखों का पलक झपती, देखना इतने तेजी से पलक झपती पता नहीं चलता है, लेकिन जब उनकी पलक झपती है कृष्ण देखने में कैसे, जैसे उनका मुख कमल है, हैं? भगवान को शरीर में 8 कमल है, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, सब कमल कमल को साथ में उदाहरण दिया। बोले क्यों? बोले कमल फूल देखने में बड़ा सुंदर है, आंखों का बड़ा आनंद देता है, और कृष्ण भी बड़े सुंदर है हमारे ठाकुर जी। इसलिए जब उनको दर्शन करती है मान उनका मुख के कमल है, और जो घुंघराली जो केस है ना, लगता है जैसे कमल फूल के ऊपर कोई भौरा मोड़ा रहे हैं, और जो गैया की खूर से जो धूल उड़ा जब मुंह में लगा, लगता है जैसे पाउडर हम लगाते हैं ना, क्रीम लगाते पाउडर लगाते, ऐसे प्रभु इतने सुंदर ठाकुर जी दर्शन होता है। लेकिन जब पलक झपती पता नहीं चलती, लेकिन वो कहती है त्रुटि जुगायते त्वां वपश्यताम, हे प्रभु जब तेरे को हम दर्शन करते हैं एक पलक झपते ही लगता है मानो करोड़ जुग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर, हैं? ऐसे ब्रज गोपियों को ऐसे अनुभूति ऐसे होती है। और कृष्ण एक प्रहर दो प्रहर जब तीन प्रहर हो गया, वो मक्खन चोर घर में नहीं आए, ये गोपियों को तो रहा नहीं गया। जितने गोपियां थी ना वो झुंड के झुंड बना करके मैया जसोदा के घर में आ गई। बोले क्यों? शिकायत करने के लिए नहीं आए, किस लिए? कृष्ण दर्शन करने के लिए, और झूठ मूठ का शिकायत कर रहे हैं। बोले मैया मैया लगता है हम तो ये गोकुल छोड़कर और किसी देश में चले जाए। बोले क्यों? बोले तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। बोले एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बहुत डरता है, अंधकार घर में रख लो। बोले मैया हमने सो भी कर चुके। बोले फिर? बोले तू अपना लाला शरीर में जो हीरे जवाहरात की अलंकार पहनाते हो, घर में प्रवेश करते अपने आप उजाला हो जाता है, अपने आप उजाला हो जाता है, हैं? बोले एक काम करियो, मैं ये अलंकार को उतार दू। बोले तेरी सौगंध हाथ मत लगायो, तेरे लाला की जो नख की जो छटाएं हैं, ये जो नख की जो छटा इतने प्रकाश है, कब जिसको ज्ञानी लोग को ब्रह्म कहते हो, ब्रह्म है क्या चीज? बोले भगवान की चरण की नख की छटाई ये ज्योति ब्रह्म ज्योति है, उसी से ही घर अपने आप प्रकाशित तो हो जाता है। मैया बोली एक काम करियो, मेरे लाला छोटो सो, इसलिए छिके के ऊपर में मक्खन रख लो, लाला के हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया हमने सो करके भी देख लिया। बोले फिर? घर में कोई झीणा क्या सीढ़ी बना कर रखे हो? बोले रखने का जरूरत नहीं, तेरे लाला इतने दिमागदार हो स्वयं बना देता है। बोले कैसे? बोले दाऊ भैया बड़े मोटो सो है, हाँ हेल्दी है, उसको नीचे बैठा देते हैं, उसको ऊपर में मधुमंगल, उसको ऊपर में अर्जुन, उसको ऊपर में कृष्ण खुद चढ़ जाते हैं, अब मटकी को उतार देते हैं। मैया बोली और ये काम करो, थोड़ी ऊंचा उच्चे में रखो। बोले हमने वो भी कर चुके। बोले फिर? फिर क्या है? मैया बोली एक काम करियो, नीचे तो रखना नहीं, उसको ऊपर में भी नहीं रखना, लेकिन ये जो माल है ना, हैं, उसको रखो बीच में। बोले भैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर क्या है? भैया इसको इको ज्यादा हो रहा है। बोले फिर क्या है? बोले फिर क्या? वो डंडा लेकर के जाते हैं और मटकी को मारते हैं ऐसे ऐसे, जिसमें माल नहीं हो ना उसमें ठन ठन आवाज होगा, और जिसमें माल है उसमें आवाज नहीं होगी, बस उसी में ही डंडा मारते हैं, मार करके फोड़ देते
और एक बूंद भी नीचे टपकने नहीं देते, सबके सब सटका जाते। हमने सब करके फेल हो गए। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, निकट की मत किया थोड़ी मेरी मत किया बदलिया
मकनेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसे ही प्रभु घर घर में मक्खन चोरी करते थे। ठाकुर जब मक्खन चोरी करते थे, एक गोपी एक दिन ही सोच रही है, भैया ये कृष्ण को किसी तरह से पकड़ में नहीं पाते, बोले क्या किया जाए। बोले एक काम करो, ये छीके के ऊपर में एक घंटी एक बेल लटका दो, कृष्ण जब चोरी करने के लिए आएंगे बेल अपने आप ही बजेगी, फिर पता चलेगा कृष्ण चोरी करने आए। वो छीके के ऊपर में एक बेल लटका दी। अभी कृष्ण सखाओं को साथ में आए, देखा भैया ये बेल क्यों लटक रहा है। कृष्ण तो समझ गए कि मेरे को पकड़ने के लिए फांद रचाए। कृष्ण वो बेल से बात की, बोले भैया तू कौन हो। बोले प्रभु मैं आपका दास हूँ। बोले मैं कौन हूँ। बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले बताओ दास का क्या करते हैं प्रभु का प्रति। बोले आदेश पालन करना। बोले देख जब तक ये मक्खन चोरी करूंगा तब तक बजना नहीं, जब मैं मक्खन चोरी करके चला जाऊं फिर तू बजियो। बोले ठीक है प्रभु। कृष्णा मक्खन नीचे उतारे, उतार करके जब उन्होंने खाने लगे ना, वो बेल अपनी आप बज उठी। कृष्ण ने कहा तू क्यों बज रहे हो।
बोले प्रभु आपको पता नहीं जब तक ये घंटी नहीं बजती ना तब को भोग नहीं लगता है, इसलिए ठाकुर जी तो जल्दी जल्दी मक्खन खाए न दो 11 हो गए। एक दिन एक गोपी मैया से रोज रोज शिकायत करे, मैया माने ही नहीं, बोले मेरे को रंगे हाथों से पकड़वा दो। बोले ठीक है कल मैं आपको पकड़ा करके दिखा दूंगा। तो गोपी गई थी यमुना में पानी भरने के लिए, जब पानी भर के आई ना देखा घर में तो कृष्ण बैठ करके मक्खन खाते हुए। बोले रोज रोज पता नहीं कृष्ण कैसे कैसे हैं, डबल डबल बन जाते हैं, पता नहीं चलता है। आज तो घर ताला बंद करके चाबी काठी लगा करके मैया को मैं बुला करके दिखाऊंगी। झट उन्होंने दरवाजा बंद करके उसमें चाबी काठी लगा दी और मैया को बुलाने के लिए गई तो हैं, मैया को बुलाने के लिए गई तो वहां पर देखा मैया तो कन्हैया को लाड़ प्यार कर रहा है और उसको मक्खन खिला रही थी। बोली ये क्या, कृष्ण को तो मैंने घर में बंद करके रखा, या तो मैया को गोद में बैठ करके तो मक्खन खा रहा है। फिर उसने दूसरे सोची शायद ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए, और एक गोपी को बोलने के लिए गई भैया एक कृष्ण को तो मैंने घर में बंद की, देखा और एक कृष्ण मैया की गोद में मक्खन खाते हुए, क्या ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए। जब उसने तीसरी गोपी को घर में गए ना देखा कृष्ण उसको बच्चे को साथ में घर में खेलते हुए, बोले क्या ये ब्रज में तीन तीन कृष्ण हो गए। जब उन्हें चौथे गोपी को बोलने के लिए गए वहां पर देखा कृष्ण वहां पर और कुछ लीला करते हुए, जिस घर में वो गई उसी घर में ही कृष्ण को अलग अलग रूप में देखी, घर घर में कृष्ण को देखी। फिर तो गोपी वहीं पर बेहोस हो गई। जब उसको होश आई ना कृष्ण ने कहा गोपी तू ये मत समझो मैं तेरी घर में ही आता हूँ, नहीं ये घर घर में ही लीला करता हूँ, क्योंकि तुम लोग बड़े प्यार से मेरे को प्रेम से बुलाते हो। बोले आओ हैं आज मेरे अंगना में, आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गोजरिया श्याम। कोरे कोरे मटकी में भोली भाली गैयन के, कोरे कोरे मटकी में भोली भाली गैयन के, तेरे लिए दही करी राखो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की काशी गुजरिया। तुम लोग मेरे को बड़े प्यार से बुलाते हो, बताओ मैं कैसे नहीं आऊं, इसलिए मैं घर घर में ही मैं मक्खन चोरी करता हूँ मैया इसे मत समझो। एक दिन मैया ने बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों मैया, मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ तेरे को कौन अपना बेटी देगा, अभी ब्रज के घर घर में पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तुम मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना क्या बेटी देगा, लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरे शादी वादी कुछ नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़ी गड़बड़ी हो गया, मैया कहते मेरी शादी ही नहीं होगी और सारा दुनिया शादी के लिए पागल बनते हैं। कृष्ण सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं जैसे मैया को पता चली जाए मैं मक्खन चोरी नहीं करता हूं। देखो कृष्ण क्या गजब की हैं, मैया को कैसे समझाते हैं। बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुना मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुना मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुना मैया मोरी माधुबन मोहे पठायो
मैया बोली मैंने माथक लाय मैया बोली मैंने माथक लाय। कृष्णा कितने सुंदर उदाहरण देते हैं, बोले मैया मैं नहीं माखन खायो, बोले भोर भयो गैया को पाचे, जो भोर होते ही तुमने मेरे को गैया चराने के लिए भेज दिया। चार प्रहर मधुबन भटको सांझ पड़ घर गाय, चार प्रहर तो मैंने मधुबन में मैंने गैया चराई, और शाम होते ही मैंने घर में आयो और रात भर तेरे गोद में सोयो। बताओ मैया फिर मैंने मक्खन कब चोरी किया? दिन भर गैया चराया, रात भर तेरे गोद में सोया, बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया ये जो बालक लोग है ना, ऐसे दुष्ट मेरे सखा लोग खूब तब मक्खन खाते हैं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं, और तू बड़ी भोली भाली हो, इनकी बात में जल्दी आ जाती, लगता है मैं तेरे लाला नहीं, किसने मेरे को जन्म दे करके मेरे को फेंक करके चला गया था और तुमने वहां से उठा करके ला करके मेरे को पालन कर रहे हैं। क्यों दुनिया मेरे को मक्खन चोर कहते हैं और तुम मेरे को मक्खन चोर कह रहे हो? इतना बोलते ही मैया का हृदय तो पानी पानी हो गया। इतने में मैया कन्या को गोद में भर लेती है, बोले नहीं लाला तेने मक्खन नहीं चोरी की। फिर कृष्ण दोबारा बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, इसलिए बोले नहीं नहीं मैया मैंने ही मक्खन खाया हूं। देखो भगवान ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, हमारे संत लोगों ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण देकर समझाया। आप लोगों ने कोई घर में मक्खन बनाए हो? कौन कौन घर में मक्खन बनाए हाथ उठाओ। दो चार व्यक्ति मक्खन बनाए, अरे जोर से हाथ उठाओ ना, कुछ कभी मक्खन नहीं बनाए हो, और थोड़ा भी हाथ उठाओ। हाँ देखो ये मक्खन कैसे बनता है, ये चीज को अगर मक्खन कभी बनाया होगा देख लो मक्खन कैसे बनता है। पहले दूध ले आओ, दूध ला करके उसको गर्म करो। गर्म करना मतलब क्या होता है, जब किसी साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, हमें ठाकुर कैसे मिले, हमें ठाकुर कैसे मिले, जब ये उत्कंठा हो तभी क्या होता है, दूध गर्म हो गया फिर उसमें जमन डाल दो। बोले जमन डालना मतलब क्या है, बोले जब हमारे हृदय में उत्कंठा होगी तब भगवत इच्छा से हमें फिर सदगुरु की प्राप्ति होती है। जब हमें जीवन में ये सदगुरु मिलते हैं, ये गुरुदेव हमें जो मंत्र देते हैं, जैसे कृष्ण है, राम है, सीता है, जब ये जो मंत्र देते हैं कहते उसमें ये जमन डाल दिया है, हाँ इसमें ये जमन डाल दिए, अभी जमन डाल दिए तो फिर क्या हो गया, दही बन गया। अभी दही बन गया तो फिर क्या करो, इसको मंथन करो, इसको मंथन करो। बोले मंथन करना मतलब क्या, बोले गुरु जी से तुमने हरि नाम ली गई, ध्यान देकर सुना, गुरु जी से हमने हरि नाम लिया, अगर माला का ऊपर लटका करके घर में पूजा करोगे, अगर माला नहीं करोगे क्या फिर भगवान मिल जाएंगे? जैसे हमें कटक जाना, हमको कलकत्ता जाना नहीं तो बम्बे जाना, अपने एक टिकट बनाओ, अगर ये टिकट को आप पकेट में रख लोगे क्या फिर आप बम्बे कलकत्ता पहुंच जाओगे? आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, फिर आपको अपना कोच दे करके फिर आपका बैठना पड़ेगा, फिर ये ट्रेन लेकर के आपको बम्बे बा कलकत्ता में पहुंचाएगी। उसी तरह गुरु जी से तो हरिनाम ले लिए, माला ले लिए, मंत्र ले लिए, अगर इसको ठीक ठीक से जप नहीं करोगे तो फिर तुमको भगवान कैसे मिलेंगे? ये मंथन करना मतलब होता है, हमें जो हरिनाम मिला है ये भगवान स्वयं मिले हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नियम करके ये माला को रोज जप करो, माला को रोज जप करो। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, सब हाथ उठाओ, बोले हरे कृष्ण, सबके सब बोला के बार कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
और एक बार आप लोगों को बोले मैं सुनूंगा जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कभी ये मंथन है, जब मंथन करेंगे फिर क्या होगा, एक तरफ में मक्खन निकलेगा और एक तरफ में छाछ। ये मखल मतलब क्या, जब हम भगवान के नाम को जप करेंगे, नाम जप करते 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 हृदय जब हमारी पवित्र हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, फिर वो पवित्र हृदय में एक दिन श्री ठाकुर जी की हमें दर्शन मिलेगा। हैं, इसका मतलब होता है मक्खन चोरी। जब हृदय में प्रेम आएगा ना, फिर हमें कृष्ण के पास में जाने का जरूरत नहीं, फिर कृष्ण हमारी घर में आएंगे। इसलिए गोपियां कृष्ण के पास में नहीं जाती थी, कृष्ण ये गोपियों के घर में भगवान स्वयं आते थे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की, बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। एक दिन मैया सोच रही हैं, ये गोपियां रोज रोज घर में आकर के शिकायत करे, तेरे लाला मक्खन चोरी करता है, मक्खन चोरी करता है। क्या सचमुच से मेरे लाला मक्खन चोरी करता है? लगता है मेरे घर में जो मक्खन ये दासियां बनाती हैं, ये ठीक से बनानी नहीं जानती हैं। शायद मेरे घर का मक्खन खट्टा होगा और गोपियों के घर का मक्खन मीठा होगा, इसलिए मेरे लाला रोज रोज जा करके दूसरे घर में मक्खन चोरी करती हैं। एक दिन मैया जसोदा सोच रही हैं, आज मैं अपना हाथों में आज स्वयं मक्खन बनाऊंगी और मक्खन बना करके मैं अपना लाला को मैं खिलाऊंगी। मैया ने जितनी गोपियां थी बोले जाओ तुम लोग अपना अपने घर में चले जाओ। इसलिए 900,000 गैया में 8-10 गैया विशेष थी। हाँ देखो ध्यान देकर के सुना, जो गैया की कान केवल काला रंग हो, केवल काला रंग हो गैया की, उसको काम धेनु गैया व पद्मगंधा गाभी कहते हैं। जिसकी दूध से कमल फूल की खुशबू निकलती है, यहां अगर गैया को दोहन कर ना, बड़े दूर तक उसको खुशबू जाएगी, कमल फूल की खुशबू जाएगी। इसलिए नंद बाबा के घर में 9-10 केवल गैया थी जो काम धेनु गैया। मैया अपना हाथों से दूध को निकाली, अच्छे तरह से कंडे से उन्होंने गर्म की, गर्म करके दही दूध जब एकदम लाल बन जाता है, फिर उन्होंने जमन डाले, जमन डाल करके दूसरे दिन, हाँ जमन डाल के दूसरे दिन मंथन करो, उसमें जो मक्खन निकलेगा वो बड़ा मीठा होता है। इसलिए मैया जसोदा एकदम सवेरे सवेरे से उठ गई, उठ करके मैया जसोदा स्वयं दधि मंथन कर रही थी, हाथों में तो दधि मंथन कर रही थी और मुंह में क्या कर रही थी, कृष्ण की कीर्तन कर रही थी। बोले हरे कृष्ण, सबके साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए और मेरे पीछे पीछे बोलना ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सब हाथ उठाएंगे हाथ उठाओ राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे फुलदान गली में राधे राधे रमान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे फुल बरसाने में राधे राधे सकरी करते राधे अति चौली में राधे बोले राधे 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 प्रेम से बोला थाली बजा के थाली बजा के थाली बजा के थाली बजा के आगे बोले पीछे बोला भैया बोले बहना बोला सब मिली बोला जोर से बोला आवाज नाई राधे 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 हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो जैसे घर में झाड़ू लगाओ ध्यान देकर सुना सब माताएं घर में झाड़ू लगाओ बोले कहां पर झाड़ू लगा रहे हो घर में नहीं ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो लेकिन हाथ में तो झाड़ू लगाओ और मुंह में क्या करो ठाकुर जी की नाम रसोई बना रहे हो बोले किसके लिए रसोई बना रहे हो बोले भगवान की भोग लगेगा ठाकुर जी को भोग लगेगा इसलिए बच्चे को थपथप लगा करके सुलाओ बोले क्यों बोले बच्चा बड़ा होगा ना भगवान की भजन करेगा ठाकुर जी की भक्ति करेगा हाथों में जैसे गोपियां थपथप लगा कर बच्चे को तो सुलाती है लेकिन मुंह में क्या बोलती हैं बोले गोविंद दामो दर माधवती गोविंद दामो दर माधवती इसलिए हाथों में सेवा करती काम करती और मुंह में ठाकुर जी की नाम करती इसलिए शिक्षा देती है मैया हाथों में काम और मुंह में क्या करो क्या करो जोर से बोलो कोई बोल नहीं रहे मुंह में हरि नाम करो और हाथों में काम करो काम नहीं ठाकुर को सेवा मान कर करो अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा एक दिन ठाकुर तुम्हारे घर में आ जाए गोपाल आ जाए देखो मैया जैसे हाथों में कृष्ण के लिए मक्खन बना रही है और इधर क्या कर रही है ठाकुर का कीर्तन कर रहे हैं इतने में कृष्ण की नींद खुल गई बोले भैया मैया कहाँ है मेरे को भूख लग रहा है इतने में कृष्ण पलंग से धीरे धीरे उतरे और आ करके मैया को पीछे पकड़ लिए बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रही है मेरे को दूध पिला दे मैया बोली लाला तेरे को दूध भी पिला दूंगी तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी लेकिन थोड़ा रुक जा क्योंकि अगर सूर्य उदय हो गया फिर ये मक्खन नहीं निकलेगा गर्मी हो जाएगी कृष्ण बोले अभी मेरे को भूख लग रहा है मैया कहती है मेरे को बाद में दूध पिलाएगी बोले जब तक मैया की काम बंद नहीं कर दो मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी इतने में सामने घूम करके आ गई और दोनों हाथ में ना रई को पकड़ ली काम बंद कर दी मैया की मैया ने देखा लाला तो बड़ा चतुर है फिर कृष्ण को उन्होंने गोद में सुला करके गोद में बैठा करके कृष्ण को दूध पिला रही थी और बारम्बार कृष्ण की मुख चुंबन कर रही थी इतने में चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी इतने में ये दूध धीरे धीरे उफन उफन करके दूध धीरे धीरे उफन रहा है और आग में गिरने जा रहा था बोले क्यों
दूध सोच रहा है लगता है मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा। बोले किस लिए? बोले मैया की स्तन में इतने दूध है जो खीर समुद्र जैसे। कृष्ण का पेट विश्व ब्रह्मांड कृष्ण का पेट में, मतलब कृष्ण का पेट भी नहीं भरने वाले और मैया की स्तन से दूध भी खत्म होने वाला नहीं। और फिर मैं कृष्ण सेवा में कैसे लगूंगा? अगर ये जीवन को कृष्ण सेवा में लगा नहीं पाऊंगा तो अच्छा है तो ये जीवन को अपना अग्नि में ही आहुति दे दो। यहाँ शिक्षा क्या देती है? देखो ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों मानेंगे? कारण क्या है? भगवान राम भी यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी यही कहती हैं, बड़े भागमान संतन बाबा। ये भगवान राम कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं उद्धव को? हे उद्धव लब्ध्वा सुदुर्लभ मिथं बहुसंभवान्ति। ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिलता, बारम्बार ठाकुर नहीं देते। क्यों ये शरीर को दुर्लभ बताए? कारण है इसी जीवन में भगवान की भक्ति कर सके, भगवान की भजन करके हम चिरकाल के लिए सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के हम इसी जीवन में भगवान के पास में जा सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव अगर इसी जीवन में सारे कर्तव्य तुमने पूरा की लेकिन भगवान की भजन नहीं की ना, लास्ट में देखोगे जीरो मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये जीवन पा करके भगवान का अगर भजन कर लिया, भक्ति कर लिया, समझो ये जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, तुम्हारी धन्य हो जाएगी। इसलिए सब कुछ करो, ठाकुर को सेवा मान कर करो और भगवान की भजन करते हुए, ठाकुर जी की भक्ति करते हुए सारे काम करनी चाहिए। इसलिए ये दूध सोच रहा है अगर ये जीवन में कृष्ण भक्ति कृष्ण भजन नहीं हो पाएगा इससे तो बढ़िया अग्नि में आहुति दे दूं, अग्नि में ही अपना शरीर को त्याग दे दूं। अभी वो अग्नि में धीरे धीरे गिरने जा रहा था लेकिन मैया जसोदा तो बड़ी दयालु, बोले भैया अग्नि में प्राण मत त्याग करो, मैं आ रहा हूं तेरे को, मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी। इतने में बोले लाला एक काम कर। बोले क्या है? बोले गोद से थोड़ा उतर जा। बोले किस लिए? बोले ये दूध उफन रहा है, ये अग्नि में गिरते जा रहा है, इसलिए थोड़ी तू उतर जा, मैं दूध को रक्षा करने के लिए जाऊंगी। कृष्ण बोले अभी मेरा आधा पेट भी भरा नहीं और तू कह रही हो दूध रक्षा करने के लिए जाओगी, नहीं मेरे को भरपेट दूध पिला करके जा। मैया देखा यहाँ पूत भी उफन रहा है और वहां दूध भी उफन रहा है, अभी ये दोनों ही उफन रहे हैं, अभी मुझे क्या करनी चाहिए? बोले मेरे स्तन में जो दूध है मैं लाला को कभी भी मैं पिला सकती हूँ, लेकिन अगर दूध उफन करके आग में गिर जाए ना कहते बच्चे का अमंगल होता है, और जो उफन करके गिरेगा उसी से ही मलाई बनेगी, फिर मलाई नहीं होगा तो मक्खन घास निकलेगा, फिर लाला को क्या खिलाऊंगी? इसलिए सोचा पहले मैं अपना दूध को रक्षा करो। बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा। बोले नहीं, जैसे बंदर का बच्चे होते ना मैया को एक जोर करके पकड़ लेती है, कृष्ण तो जोर करके मैया को पकड़ ली। बोले नहीं मैया मेरे को भरपेट दूध पिला करके तब जाया करो। बोले गोद से नहीं उतर के। बोले नहीं। बोले उतर नहीं कैसे? कृष्ण को जोर जबरदस्ती पकड़ करके बैठा दी। बोले बैठ यहां पर। कृष्ण चुप हो गए। आप देखना बच्चों को जब क्रोध आ जाए ना सामने जो कुछ मिलता है ना सब फेंक फांक देती है। कृष्ण ने देखा तुमने कितने दूध को रक्षा करोगी, अभी मैं दिखाता हूं मजा। वहां पर जैसे ये होता है ना जो मसाला पीसते हो, जिससे मसाला पीसते हो है, वहां पर था लोड़ी था, उन्हें लोड़ी उठाए और जो मटकी थी मटकी में मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और बन गया था छाछ है, छाछ बन गया था, सब निकलने लग गया। कृष्ण बड़े खुश हो रहे, बोले मैंने मटकी फोड़ दी। जब सबके सब निकल गया ना, कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया को पता चलेगा एक डंडा नीचे नहीं सब पर पीठ पर पड़ेगा। कृष्ण फिर दूसरे घर में गए, उखलों के बड़े खड़े हुए, मक्खन की मटकी उतारी, जितने बंदर कौओं को बुलाए। बोले भैया इधर आ जाओ। बोले क्यों? बोले ये बंदर कौन है? बोले ये हनुमान की वंशधर है। बोले तुम लोग रामलीला में मैंने तुम लोगों को कुछ भी नहीं खिला पाया, अपना हाथों से खाए, जंगल से फल मूल खाते थे,
मेरे लिए तुम लोगों ने बड़े युद्ध किया है, कम से कम कृष्ण लीला में तो भैया मक्खन खिला दो। आ जाओ आप बंदर, आ सब बंदर को मक्खन खिला रहे थे और जितने कौए थे, बोले कौए कौन है, बोले ये काग भूसंडी के वंशधर जो राम कथा को सुनाते हैं। बोले भैया तुम लोग को मेरी कथा सुनाते, आज इधर आ जाओ, लो मक्खन खाओ। इतने में मैया जब थोड़ी दूर देर में आई, देखा मटकी फूटी हुई, सारा घर घर में छाछ दही दही पड़ा हुआ। पहले पहले आपको पता होगा सिल्वर पीतल कोई चीज नहीं होती थी, पहले हर चीज मिट्टी के पात्र में बनते थे, इसलिए मिट्टी पात्र में जो कोई चीज बने ना वो बड़ा पवित्र होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। आप बड़े बड़े जगन्नाथपुरी जाओ, आप लोग रामेश्वर जाओ, बद्रीनाथ जाओ, अभी भी देखोगे मिट्टी के पात्र में ही बनती है। और मिट्टी के पात्र में कोई भी आप चीज बनाओ ना बड़ा स्वाद होता है। और वहां पर लकड़ी की नहीं तो कंडे की, गैस में नहीं, आप लकड़ी में कोई चीज बनाओ, कंडे में बनाओ रोटी, कितने स्वाद होता है। इसलिए मैया ने देखा ये कितने घी पी पी करके मक्खन और ये मटकी एकदम मजबूत हो गया था, और तुमने ये मटकी फोड़ दी। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बल इसको कुछ दंड देनी चाहिए। अभी तक तो दूसरे घर में ये मक्खन चोरी करता था, आज तो अपना घर का ही मक्खन मटकी फोड़ दी। देखो चोर जब चोरी करता है वो ऐसे कुछ निशान चिन्ह छोड़ करके जाता है, सीआईडी जरूर पकड़ लेता है। कृष्ण तो छोटे मोटे चोर है ही नहीं, कृष्ण सबसे बड़े चोर है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य एक पूरा चौराग्र गन्नम है, उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने एक अष्टक लिख दिए है, बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम चौराग्र गन्नम पुरुषम नमामि। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं कृष्ण सबसे बड़े चोर है। बोले क्या चोरी करते हैं, बोले मन को चोरी करते हैं, पाप को चोरी करते हैं, दुख को चोरी करते हैं, संताप को चोरी करते हैं, हाँ ठाकुर जी सबको चोरी करते हैं। कृष्ण जगत में सबसे बड़े चोर से कृष्ण है। लेकिन कृष्ण तो चोरी करके गए, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ कर गए, मैया पकड़ ली। क्या है, कृष्ण का प्यार में भी ये दही लगा हुआ था। कृष्ण जब चलते चलते गए ना वो चरण का छाप भी पड़ते पड़ते गया। इतने में मैया ने एक लठिया को उठा करके धीरे 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 उसको पीछा कर रही है। हाँ देखो ध्यान देख रहे सुना, भैया कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण भगवान है, फिर उनको क्या पता नहीं मेरे चरण में जो दही लगा हुआ मैया इसको देख देख करके मेरे को पकड़ लेगी, क्या ये भगवान को पता नहीं था? भगवान को सब कुछ पता है। फिर प्रभु ने ये चरण छाप छोड़ कर क्यों गए, कारण क्या है? भगवान शिक्षा देते हैं, ये उपनिषद का श्लोक है, बोले न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुतेन जमे वैस वृणुते ते न लभ्य तस्य से आत्मा विवृणते तनुस्याम। ये उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, भगवान को प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते हो। बोले हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्या भगवान को पहचान ले? बोले बुद्धि वहां नहीं पहुंचती है। न मेधया न बहुना श्रुते न, बोले भैया दिन भर सुनते रहते हैं फिर तो भगवान हमें मिल जाएंगे। बोले भैया उससे भी मिलने वाले नहीं, फिर मिलेंगे कैसे? बोले सही जाने जा रहे देहु जानाई, उनको वही जान सकते हैं भगवान कृपा करके जिसको जानाता है वही उनको जान सकते, सब उनको जान नहीं सकते। इसलिए कृष्ण को पता है मैया मेरे को तो ढूंढेगी, लेकिन मैं स्वयं को स्वयं जब तक मैं पकड़ में नहीं लाऊं मेरे को दुनिया में कोई भी पकड़ नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि, बोले वायु रथापि मनस मन पुंगवानाम, बड़े बड़े ऋषि जोगी मुनि तपस्वी ज्ञानेन्द्र जोगिंद्र उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन जिनकी चरण की नख की छटा को भी दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए कृष्ण चरण छाप छोड़कर गए।
इतने में मैया धीरे 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 चल रही थी, देखा सारे मक्खन को कौवा बंदर को खिला रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, अरे खुद खाता तो कोई बात नहीं, इतने कष्ट से बनाया बंदर और कौवों को खिला रहे हो। मैया को तो इतना क्रोध आ गया, इतने में लठिया देखकर एक एक कौवा बंदर धीरे धीरे पीछे सरकना शुरू कर दिया। कृष्ण ने कहा भैया ये क्यों भाग रहे हैं? देखा मैया तो पीछे खड़ी हुई, अभी अभी मैया मुझे पकड़ने वाली। कृष्ण छलांग लगाए और मेन रोड में निकल गए। मैया बोले कहाँ जाओगे, तुम मेरे कोख से जन्म लिए हो। इतने में मैया भी उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन जब मैया थोड़ी दूर चली ना, मैया थी मोटी और कृष्ण तो छोटे बच्चे, कृष्ण तो भाग रहे। मैया जब थोड़ी सी भागी ना, हाँपने लग गई। अभी कृष्ण सोच रहे मैया को कहाँ तक भगाऊं। मैया बोली लाला वहां पर खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में लठिया है, अब फेंक करके मारूं। कृष्ण ऐसे करके खड़े हो गए। बोले मैया मैं तो खड़े हो जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ में लठिया देख करके मेरे को डर लग रहा है, पहले पहले की लठिया को फेंक दे। मैया बोले तेरे को मारूंगी नहीं, तेरे को पूजूंगी। क्या करोगी? बोले तेरे को मैं पूजूंगी। कभी कभी बच्चों को पूजा करते कि नहीं तुम लोग, कैसे पूजा करती हो? बोले तेरे को मारूंगी नहीं, तेरे को अभी मैं पूजूंगी। इतने में उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिए, पकड़ करके बोले साची साची तू बता ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैंने थोड़ी फोड़ी। बोले किसने फोड़ी? बोले तुमने प्यार में इतने मोटी मोटी कौड़ूले पहन कर रखी ना, जब तेजी से जा रही थी कौड़ूले लग करके मटकी फूट गई, मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी। बोले कितने दुष्ट, देखो खुद मटकी फोड़ करके तो मैंने फोड़ दी। बोले ये बंदर को खिलाया किसने? कौआ को। बोले जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले बड़े बड़े बात करते हो, तू बहुत बड़े चोर हो गए। कृष्ण बचपन में सुना था उनकी एक मामा है जिसका नाम चोर गौ। बोले मैं नंद बाबा राजा का मैं बेटा हूँ, तेरे घर में कोई चोर होगा, मेरे घर में कोई चोर नहीं है। बोले पता नहीं कहाँ से सुन लिया। बोले तू बंदर का दोस्त है। कृष्ण बोले अगर मैं बंदर का दोस्त, मेरे को छोड़ दे, पर जंगल में जाऊंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। देखना बच्चों को जो क्रोध आए ना, दिमाग में जो आए उसको कर देते हैं। अभी मैया सोच रही है सचमुच से अगर कृष्ण को छोड़ दूं, बड़े क्रोध में कितने कष्ट में कृष्ण कष्ट से ये लाला मेरे मिलो है, अगर सचमुच से अगर जंगल में चले जाए तो फिर क्या होगा। कहते बच्चों का क्रोध जल्दी आता है और क्रोध जल्दी शांत भी हो जाता है। बोले थोड़ी समय के लिए मैं इसको उखल में बांध देता हूँ। बोले तू उखल या उदुखल? उखल जानते हो? कौन जानते हो उखल क्या है बताओ तो? उखल क्या चीज होता है? क्या होता है? ओखली। हाँ, पहले ये मशीन फैसन नहीं होता था, गेहूं चावल और उखल में, हाँ एक ये होता है ना लकड़ी जैसे, उसका अंदर में गड्ढा सा और एक में लेकर मार मार करके उसमें जो कुछ उसी से ही बनता था है। इसलिए मैया ने जब बांधने के लिए गई उसमें दो उंगुल कम पड़ गया। मैया एक गोपी को बोली और एक रस्सी ला, दूसरे रस्सी को गांठ लगाई, फिर उसमें दो उंगुल कम पड़ी, बोले और एक रस्सी ला। गोपियां बोली मैया तेरे लाला की ललाट में विधाता ने ये बंधन नहीं लिखे, तो कैसे लाला को बांधोगे? बोले नहीं बांध सकती हूँ, मेरे कोख से जन्म लिया, बांध करके मेरा होगी। ले आ रस्सी। देखो ब्रज का सारे रस्सी समाप्त हो गई, लेकिन उसमें दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं पड़ी। बोले क्यों? कृष्ण कौन है? अनंत है, असीम है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, तो उसका मैया बांधे ही कैसे? भगवान तो केवल ठाकुर जी केवल प्रेम से ही ठाकुर जी बनते हैं। जब उन्हें किसी तरह से बांध नहीं सकी, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गई। बोले ठाकुर जी मेरे लाज को तो बचा, सवेरे से शाम तो हो गया, इसको अभी तक मैं बांध नहीं पाती हूं, पाई हूं। जब उन्हें शरणागत हो गया ना, फिर ठाकुर जी कृपा करके बंधन को स्वीकार की। तब यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते भैया वहां पर दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, उसमें तीन नहीं चार नहीं, जब जब बांधने के लिए कोशिश करे कितना अंगुल कम पड़ता था? कितना अंगुल कम पड़ता था? दो। आज मैं बताऊंगा क्यों दो अंगुल कम पड़ता था और कल आपसे मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है
ये दो अंगुलों क्यों काम पड़ता था, तीन नहीं चार नहीं, जब जब बांधे उसमें दो ही अंगुल क्यों काम पड़ता था। आप लोग ये चीज को ध्यान दे करके ये चीज को आप लोग आज सुना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रभु जी कहाँ चले गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की 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 जय गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय भलकुंज बिहारी की जय 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 भलकुंज बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी जय महारानी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय बोल बरसाने वारी की जय 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 बोल बरसाने वारी की जय 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 अजय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोल जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बल 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 जय राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बल जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोल श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे गोदान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे गंगा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे फकीरी सौर पे राधे राधे रंगली गली में राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुना इसमें दो अंगुल क्यों काम पड़ता था, अच्छे तरह से समझ लो। बोले जो पहला अंगुल है मैया जसोदा की चेष्टा, भगवान कृष्ण को मैं बांध करके ही छोड़ूंगी, लेकिन कृष्ण कौन है, भगवान है, अनंत असीम है, जो सीमा विशिष्ट हो
आप तो उसको बांध सकते हो, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं फिर कैसे बांधोगे। इसलिए मैया जसोदा ने ये सवेरे से लेकर के शाम तक जी जान को उसने लगा दी, लेकिन बांध नहीं सकी। ये पहला अंगुल मैया जसोदा सवेरे से शाम तक जो चेष्टा की, बोले दूसरी अंगुल क्या है, जब भगवान की हृदय गर्भीभूत हो गया, देखा मैया जब तक मेरे को बांधेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं, लेकिन इस सार मैया का शरीर से पसीना पसीना बह रही थी, हैं एकदम क्लांत हो गई, लेकिन मैया की चेष्टा को देख करके भगवान की हृदय द्रवित हो गया। जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए ऐसे साधन करे जिसकी साधन चेष्टा देख करके भगवान के हृदय द्रवीभूत हो जाए, जैसे देखना एक बच्चा सो रहा है, मैया काम कर रही है, अभी बच्चा की नींद खुल गई, बच्चा को भूख लगा है, बच्चा क्या करता है थोड़ी सी रोता है, क्यों, मैया को कान में मेरे आवाज पड़े, मैया मेरे को गोद में उठा करके दूध पिलाए, लेकिन मैया घर में रसोई बना रही है, सोच रही है अभी अभी रसोई बन जाएगी, लाला को मैं दूध पिला दूंगी, लेकिन जब बच्चा देखता है मैया अभी भी मेरे को गोद में नहीं उठा कर ले जा रही, बच्चा क्या करता, थोड़ी जोर से फिर रोता है। मैया सोचती नहीं अभी अभी काम खत्म हो जाएगी फिर लाला को दूध पिला दूंगी, जब देखता है बच्चा मैया अभी भी मेरे को उठाया नहीं, फिर बच्चा क्या करता है, इतने जोर से रोने लग जाता है, फिर जमीन पर लौट पोट खाने लगता है। मैया जो काम करती ना उसी समय सारे काम को छोड़ करके बच्चे को गोद में ले लेती है। उसी तरह जब तक हम रोएंगे नहीं ना तब तक भगवान की दीन पिघलेगा नहीं, इसलिए भगवान को पाने के लिए रोना पड़ेगा, हृदय की उत्कंठा जगेगी। जब तक हमें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे मैं ये प्राण को त्याग दे दूंगी, जब तक ऐसे भावना नहीं होना भैया तब तक ठाकुर जी मिलने वाले नहीं। इसलिए पहला अंगुल है साधक का साधन चेष्टा, दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जब ये दो चीज मिलेगा ना फिर तो भगवान हमें जरूर ठाकुर जी मिल जाएंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी कृष्ण को मैया ने कृष्ण को उखल में बांध दी, बोले सवेरे से शाम तक लेकर के तेरे पीछे मेरे सारे समय बर्बाद हो गया, अभी तू बंधा पड़ा रहा, अभी मैं घर का काम काज में करती हूँ। इतने में कृष्ण की सखा लोग आ गए, बोले कन्हैया आज मैया तेरे को ही बांध दे, बोले हाँ, बोले एक काम करो इसको खोल दो। सखाओं ने कोशिश की खोलने के लिए लेकिन खोल नहीं पाए, बोले क्यों नहीं खोल पाए, लेकिन वो जो बंधन है ना वो प्रेम का बंधन था, वो साधारण बंधन नहीं, केवल प्रेम से ही वो खोल सकता है, किसी तरह से खोल नहीं सके कृष्ण को। सामने कृष्ण देखा दो वृक्ष है, जमलार्जुन वृक्ष, ये पूर्व जन्म में कुबेरे का दो पुत्र थे नल कुबेर और मुनिगिरि, ये शराब पी करके एक दिन शंकर जी की बगीचा में स्वर्ग के गंधर्वियों को लेकर के विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। बाई चांस उसी रास्ता से श्री नारद जी जा रहे थे, अभी नारद जी को जब दूर से देखा ना, इतने में देख करके इनको मन में तो बड़ा क्रोध आया, इनकी जो अप्सरा थी पानी से निकली और कपड़े से अपना शरीर को ढक करके पेड़ को पीछे उन्होंने छुप गई, लेकिन ये जो दो थे ये देख करके भी नारद जी को आंख फाड़ फाड़ करके बोले दुष्ट संत कोई रास्ता तेरे को मिला नहीं, यही रास्ता मिल गया, हमारे रंग में भंग करने के लिए तू आ गया। नारद जी को लाल लाल आंख करके नारद जी को फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। नारद जी ने देखा हे भगवान कहां स्वर्ग के कुबेर का लड़का है और हो करके क्या कर रहे हैं, शराब पी करके लड़कियों के साथ में नंगे होकर जल विहार, और कोई साधु आ जाए तो लाल लाल आग करके देख रहे हो। इतने में नारद जी उनका अभिशाप दिए, जाओ जैसे तुम नंगे हो ऐसे ही पेड़ जन्म को तो प्राप्ति करो। अभी इनकी अभिशाप सुनते ही धीरे धीरे पैर से वो पेड़ होना शुरू आरंभ हो गया, सारे नशा इनको उतर गई, क्योंकि पेड़ का जो जन्म है बड़ा दुख जीवन है,
आप पानी भी नहीं मांग सकते हो, ठंडी गर्मी में आपको वैसे खड़ा रहना पड़ेगा, कोई आकर टहनियां तोड़ देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, बोल नहीं सकते हो, ये बड़ा कठिन जीवन है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते भैया, कभी भी ये शराब फराब मत पिया करो। शराब पीने पर अपना नशे में रहो ना, फिर तो छोटे बड़े कोई ज्ञान नहीं रहता है इनके अंदर में, हैं? कोई इनके अंदर में कोई ज्ञान नहीं रहता है शराब पीने पर। इसलिए शिक्षा देते भैया, जहां पर ज्यादा पैसा हो ना, इसलिए मैया कुंती कहती है, प्रभु जिसको पास में चार चीजों का तेरे भजन नहीं करेगा, बोलो क्या है? पहले पैसा, पैसा हो जाए ज्यादा ना, बस वो तो सारा दुनिया किसको ही भ्रक्षेप नहीं करते हैं। और देखना जहां पर ज्यादा पैसा हो, कि जितने सारे शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कीबाजी, सारे गंदी चीज वही पर सारी होती है। लेकिन कल जन्म जिसको कोई उच्च कुल में जन्म हो जाए, बड़ा अभिमान आ जाता है। श्री श्री मतलब जिसकी चमड़ा थोड़ी सुंदर हो जाए, इनके मन में बड़ा बड़ा अभिमान आती है। और जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, जिसको थोड़ी ज्यादा लिखाई पढ़ाई हो जाए ना, अरे हमें किस चीज की कमी है, हम तो इतने लिखे पड़े हैं। माँ कुति कहती है, प्रभु ये एक चीज अगर किसको पास में आ जाए ना, ये बड़ा अहंकार ला देता है। इसलिए प्रभु ये लोग तेरे भक्ति भक्ति नहीं करते हैं, हैं? भजन भजन तेरे नहीं करते हैं। बोले नामो अकिंचन बिताय निवृत गुण वृत, जो दीन ही ऊपर में तेरी कृपा ज्यादा होती है। लेकिन अगर किसको पास में ये चीज है, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, समझना ठाकुर जी की उनके ऊपर में बड़ी आशीर्वाद है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। स्वर्ग के देवता पर लड़कियां फिर शराब पी कर रखे, संत भक्त कहाँ ज्ञान रहता है? हाँ, संत भक्त क्या इनका ज्ञान रहता है? इसलिए उनको वृक्ष जन्म तो प्राप्त हुई। फिर इन्होंने नारद जी के चरण में गिर पड़े, हमारे अपराध हो गया, आप बताओ हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम गोकुल में भगवान के धाम में वृक्ष बनोगे। भगवान जब द्वापर युग में आएंगे, इनके चरण के स्पर्श से तुम्हें उधार हो जाएगी। अभी कृष्ण सामने देखा वो दो वृक्ष है, सखाओं को बोले सखाओं एक काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मारो। अभी उखल को धक्का मारे तो वो घुटन पर चलते चलते दोनों वृक्षों को बीच में होते हुए गए। इतने में उखल जब अटक गया, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए, दोनों वृक्ष दोनों तरफ में धड़ाम करके गिरे। और इतने में दोनों वृक्ष से दो देवता वहां से प्रकट हुए, ठाकुर जी के चरण में प्रणाम किए, बोले हे नारद जी आप हमारे ऊपर में कृपा करो। जैसे ये दोनों हाथों ठाकुर को सेवा में लगे, जैसे ये दोनों कानों में जैसे भगवान की कथा सुने, ये जुहा पा करके जैसे ठाकुर का नाम कीर्तन करे, दोनों चरणों पा करके तुलसी परिक्रमा धाम परिक्रमा ठाकुर जी की जैसे परिक्रमा करे, और उस संतों को देखते ही ये शरण जैसे झुक जाए। क्योंकि अगर नारद जी को देख करके हम प्रणाम कर लेते, उनको पर क्रोध नहीं करते, आज हम ये पेड़ जन्म होना नहीं पड़ता। इसलिए जैसे ये सर संतों की चरण में झुक जाए, हमें ये आशीर्वाद दो। ठाकुर जी को प्रणाम करे और दक्षिण दिशा में चले गए। इतने में सारे ब्रज के लोग इकट्ठे हो गए। क्यों? जब दोनों वृक्ष गिरे, सत्यजू का वृक्ष विशाल वृक्ष था, इतने जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। इतने में श्री नंद बाबा आए, आकर के देखा कृष्ण तो दोनों वृक्षों के बीच में फंसे पड़े हुए। जल्दी जल्दी नंद बाबा आकर के रस्सी को खोल दिए, खोल करके अपना पकेट से एक लड्डू निकाल करके कृष्ण को दे दिए। बोले कन्हैया तेरे को बांधा किसने? बोले मैया। बोले खोला किसने? बोले बाबा। बोले खूब मैया 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 करते रहते हो, बताओ अभी किसको पास में रहोगे? बोले बाबा को पास में रहा करूंगो, मैया मेरे को मारती, मैया के पास में नहीं जाऊंगो, बाबा के पास में रहूंगो। इतने में मैया आ गई, नंद बाबा तो मैया को बड़े डांट लगाए, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कोई बात नहीं, इतने विशाल वृक्ष किसी तरह से दोनों तरफ में गिरे, अगर थोड़ी सी इधर उधर गिरते तो लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता। लगता है तेरे को दूध दही मक्खन में ज्यादा आ सकती है, तुम इसको लेकर रहा करो, मैं तो दोनों लाला को लेकर के तीर्थ जा रहा हूं। इतने में मैया तो डर गई, मैया डर करके बोले सचमुच से अगर ये चले गए तो लाला को लेकर क्या होगा। मैया तो बड़ी दुखी हो गई,
दुखी होकर के मैया घर में आकर के बैठ बैठ कर मैया रो रही हैं, मेरे हाथों में आज ये हाथों से लाला को मैंने कैसे बांध दिया, ये हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया। मैया बड़ी दुखी होकर घर में रो रही है। नंद बाबा दोनों बच्चों को धारसन दूध, धारसन दूध मतलब जैसे गैया को दोहन करना, वो दूध गर्म गर्म रहता है, उसमें मिश्री मिला करके उन्होंने कृष्ण बलराम को पिला दी। शाम को उन्होंने कृष्ण बलराम को लेकर के आए। एक कोने में मैया जसोदा बैठ करके रो रही है, दूसरे कोने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को गोद में लेकर बैठे हुए। अभी घर में लड़ाई हो गई, नंद बाबा मैया जसोदा में लड़ाई हो गई। अगर दोनों में लड़ाई हो जाए, कौन है उनकी लड़ाई को शांत करेगा? कोई तीसरे व्यक्ति हो। बोले यहाँ पर तीसरे व्यक्ति कौन है? कहते तीसरे व्यक्ति माँ रोहिणी, यही शांत कर सकती है। इतने में रोहिणी आकर के बलदेव प्रभु को बोले, बोले दाऊ एक काम करो, ये कृष्ण को लेकर के मैया जसोदा की गोद में छोड़ दो, फिर तो ये क्रोध शांत हो जाएगा। जब इतने बोले, इतने में कृष्ण गए, बोले कन्हैया चलो मैया को पास में चलो। जब उन्होंने बलदेव प्रभु का हाथ को पकड़े ना, उन्होंने झटका मारे, इतने में तो बलदेव प्रभु नीचे गिर पड़े। मैया रोहिणी बोली लाला तो मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती हैं। बोले फिर किसको पास में रहोगे? बोले बाबा को पास में रहा करूंगो, मैया को पास में नहीं जाऊंगो। रोहिणी बोली अगर मैया को पास में नहीं जाओगे दूध किसके मिलेगा? दूध तो बाबा को पास में मिलेगा नहीं ना, दूध तो माँ के पास में मिलेगी, दूध कहाँ से पियोगे? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोओगे कहाँ पर? कृष्ण तो अभी छोटे बच्चे हैं, देखना बच्चों का स्वभाव है, जब तक माँ की गोद में नहीं सो तो नींद नहीं आए। बोले किसकी गोद में सोओगे? बोले बाबा को गोद में सो जाऊंगो। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले ताऊ भैया को पास साथ में। बोले मैया को पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं। बोले तू अगर मैया को पास में नहीं जाओगे ना, मैया की ऐसे हो गया तो मतलब मैया अगर मर जाएगी फिर क्या होगी? जब कृष्ण सुना अगर मैं मैया को पास में नहीं जाऊंगा तो मैया मर जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया, पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीधे माँ की गोद में लेट गए। और मैया जसोदा कान्हा को गोद में पा करके मैया भी फूट फूट करके रोने लग गई। और वहां पर जितने ब्रजवासी थे ये लीला देख करके सब के सब रो पड़े। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर सुंदर ब्रज में लीला करते थे, जिस लीला को देख करके संपूर्ण ब्रजवासी दिन रात कृष्ण की चिंता में डूबे रहते थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो, आप लोग कुछ अनाउंसमेंट करना क्या है प्रभु जी? ओ मोटे मोटे नैनन के तो, ओ मीठे मीठे नैनन के तो, सावरी सुनोनी सूरत के तो, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तो, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तो, ओ कजिरा रे मोटे मोटे तेरे, बाकी बिहारी कजिरा रे मोटे मोटे तेरे, ओ नानक जय, बाकी बिहारी कजिया
मोटे मोटे तेरे हो ना करना लग जाए ओ मैया करना लग जाए ओ मैया करना लग जाए सभी भक्तों लोगों के लिए कल मैं बोल रहा था ना आज श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा हम करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की पूजा में ये स्वयं बांके बिहारी कह रहे हैं
गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना किसने भोग में लगा दिए। बांके बिहारी कहते हैं किसी जीवन में, बोले एक जीवन नहीं किसी जीवन में भी उसकी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, उसके घर में महालक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये स्वयं गिरिराज कह रहे हैं। इसलिए आज हमारे श्री कालू शर्मा जी, ना कालू शर्मा जी हाँ इधर आ जाओ, इसलिए आज इन्होंने इनकी तरफ से गिरिराज के लिए उन्होंने खीर भोग लगाए, सभी के लिए उन्होंने खीर की व्यवस्था की है। गिरिराज जी इनके ऊपर में खूब कृपा करे और ये खूब फलते फूलते रहे और ऐसे ही सभी की ये सेवा करते रहे। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले श्री की बच्चे को ना खेलने मत देना, बच्चा किसके है अपना गोद में रखे। ठीक है, अभी अभी सब बैठ जा, अभी कथा सुन सकते। हाँ सब के सब बैठ जा, कथा सुन सकते। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। जब कृष्ण ने ये जमलार्जुन वृक्ष को तोड़ दिए, सारे ब्रजवासी बैठ करके मीटिंग की, बोले लगता है ये ब्रज हमारे रहने का स्थान नहीं रह गया, ये गोकुल छोड़ करके चलो और कहीं चलते हैं। क्यों अभी तक तो त्रिनाभर्त सकटासुर ये दैत्य लोग अपने आप आकर के लाला को पीछे पड़े हुए थे, अभी ब्रज का पेड़ अपने आप टूट करके लाला को ऊपर में गिरने लग गया, इसलिए चलो हम गोकुल छोड़कर और कहीं चलते हैं। बोले भैया कहाँ चले, बोले कहाँ चले, बोले चलो हम चलते हैं श्री वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन बड़ा सुंदर धाम है, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर मैदान है, वहाँ पर बड़े सुंदर घास खाने के लिए वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर खेती है और बड़े सुंदर फल फूल से वृंदावन शोभायमान हो रहा है, जहाँ पर कलकल नाद से श्री यमुना नदी भी बह रही है, जहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन है, बड़ा सुंदर श्री वृंदावन धाम। चलो हम सबके सब वृंदावन धाम चलते हैं। इसलिए सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के सबके सब ब्रज के तरफ में चल पड़े। जब सफेद गैया चलते थे ऐसे लग रहा था मानो साक्षात यमुना नदी बह रही है, जहां पर काली गैया जहां पर चलती थी लगती थी साक्षात ये यमुना नदी प्रवाहित तो हो रही है श्री यमुना पटरानी। और एक बैलगाड़ी में कहते नंद जसोदा और रोहिणी और कृष्ण बलराम एक बैलगाड़ी में बैठ करके चल रहे थे। चलते चलते जब थोड़ी दूर चले ना, थोड़े दूर चले तो इतने में कृष्ण बीच बीच में मैया जसोदा से प्रश्न कर रहे थे, बोले मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसमें इतने बड़े बड़े दाढ़ी है। बोले लाला ये बरगद वृक्ष है। थोड़ी दूर चले, बोले मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं। बोले लाला ये पीपल वृक्ष है। हरे कृष्णा देखो आपसे प्रार्थना है अभी ज्यादा लोग स्टेज में मत आओ, ये कथा हो रही है इसलिए तभी तो कोई कथा सुन सकता, मैं भी तब तक कथा सुना सकता हूँ जब तक परीक्षित नहीं होता ना, सुखदेव कथा नहीं सुना सकते थे, इसलिए अभी स्वागत हो गया, सब बैठ जाओ अपना अपना स्थान में बैठ जाओ, क्यों फिर मेरा मन इधर उधर भटकता है फिर मैं कथा भी नहीं सुना सकता, इसलिए सबके सब बैठ जाओ अभी कथा सुनो, कथा का आनंद लो। इसलिए थोड़ी दूर गए, बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है इतने मीठी मीठी कुहू 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 आवाज कर रहा है। बोले लाला ये कोयल है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चिड़िया है जिसकी शरीर में बड़े सुंदर चित्रकारी है। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है। बोले लाला ये मोर है। बोले मैया एक का तो पूछ है और एक का पूछ नहीं, मैया ये कौन है। बोले जिसका पूछ नहीं कहते ये पुरुष स्त्री है, जिसका पूछ है कहते ये पुरुष है। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे हैं। बोले जो पूछ वाली है ना है, ये जो पूछ वाली ये जो बिना पूछ की ये इसकी पति लगता है और इसकी घरवाली लगती है। और थोड़ी दूर गए,
बोले मैया मैया देख कितने सुंदर जानवर है, सारे शरीर में चित्रकारी, मैया ये कौन सा चिड़िया है, कौन सा जानवर है? बोले लाला ये हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग है, दूसरा का सींग नहीं है। बोले ये क्या मैया? बोले जो सींग है ना ये पुरुष है, और सींग जो नहीं है स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे हैं? बोले बिना सींग वाली ये सींग वाले की ये स्त्री लगती है, इसकी ये बहू लगती है। बोले मैया ये बताओ जब सबकी बहू ये मेरी बहू कहाँ है? इसलिए मैया मेरे ताई भी एक बहू ले आओ। बोले लाला कोई चिंता मत करो, अभी तुम वृंदावन में चलो, तेरे लिए भी बड़े सुंदर हम एक बहू ले आएंगी। ऐसे करते करते भगवान कहाँ पर पहुंचे है ठाकुर जी? अभी से वृंदावन धाम में पहुंचे। कहते जो वृंदावन धाम है सर्वकाल सुखावह, ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा भृत सुरभि रभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसम भ्रम से बमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। ये पितामह ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से श्री वृंदावन धाम को दर्शन किया, कहते वृंदावन भूमि नहीं, कहते ये भूमि नहीं ये चिंतामणि। चिंतामणि मतलब जो चिंता करो वही मिलता है। कहते वहां के वृक्ष कैसे हैं? वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष है, जो मांगो वृक्ष वही देते हैं। कहते वहां के पानी कैसे हैं? कहते पानी नहीं तो अमृतम, वो पानी अमृत है। बोले गमनम नृत्यम, अगर वृंदावन में कोई चलते हैं ना लगता है बड़े सुंदर जैसे कोई नाच रहे हैं। अगर वृंदावन में कथा गानम, अगर वहां कोई बोली बोलते हैं लगता है बड़ी सुंदर कोई ठाकुर जी का भजन गा रहे हैं। इसलिए वृंदावन भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, और वहां के जो तालाब है जैसे प्रेम सरोवर है। ये प्रेम सरोवर कौन है? राधा कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर के ये प्रेम सरोवर रूप धारण किया है। वहां पर मान सरोवर है, ये मान सरोवर कैसे बनी? जब राधा रानी विरह में, कृष्ण विरह में जब उन्होंने रोदन की, उनकी आंखों का आंसू से ही ये मान सरोवर बना है। कहते भैया राधा कुंड श्याम कुंड किया है? बोले राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, ये स्वयं कृष्ण ही, ये स्वयं कृष्ण कुंड बने। राधा कुंड ये स्वयं राधा रानी ही ये कुंड बनी है। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ये राधा कुंड में विद्यमान है। कहते यहाँ के जितने पर्वत है वो पर्वत नहीं, स्वयं नंदीश्वर पर्वत, स्वयं भोले बाबा ये नंदगांव में स्वयं नंदीश्वर पर्वत बने। बच्चों को रखो। कहते ये ब्रह्माचल पर्वत कौन है? बोले ये ब्रह्मा स्वयं ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए। बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले स्वयं श्री विष्णु, स्वयं बांके बिहारी ही ये ब्रज में पर्वत रूप धारण किए। बोले सखीगिरी पर्वत किया है? कहते ललिता विशाखा चंपक लता ये सखिया ही ये पर्वत रूप में प्रकट हुए। इसलिए बोले वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। इसलिए रसखान कहते हैं बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन धाम कोई ये साधारण कोई धाम नहीं। फिर हमें ये ऐसे क्यों नहीं दिख रहे, ये उजड़ा हुआ क्यों दिखती है? कारण है हमारी आंखों के ऊपर में ये माया की पर्दा डला हुआ है। इसलिए कभी हैं किस समय अकबर स्वयं एक संत थे सनातन गोस्वामी, कभी अकबर ने सुना ये सनातन गोस्वामी पहले बंगाल का
ये प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जब कृष्ण भक्ति की इनकी चस्का लगी, हम लोग तो रिश्वत दे करके नौकरी करते हैं, इन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी छोड़े। जानते हो कितना रिश्वत दिए? उसी समय में 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने, राजा नवाब ने उनको जेल में बंद कर दिया। बोले अगर ये राज्य छोड़कर चला गया राज्य ठप हो जाएगी, जेल में बंद कर दिए थे वो संतों को। लेकिन उन्होंने जेल कीपर को 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने दिया। बोले भैया एक दिन ये नौकरी मैंने ही तेरे को दिया था, तुम भी मेरे उपकार करो, मेरे को जेल से छोड़ दो, मैं वृंदावन में जा करके बांके बिहारी जी को भजन करना चाहता हूँ। वो छोड़ना नहीं चाहता था, 10,000 स्वर्ण मुद्रा रिश्वत थी, रिश्वत दे करके वृंदावन में आए। और हम तो ठाकुर जी तो हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते हैं, वो इतने बड़े संत हुए ठाकुर जी को दर्शन करने आते थे, ठाकुर जी स्वयं इनके साथ में बात करते थे, वो बिना नमक के टिकिया ठाकुर को भोग लगाते थे। ठाकुर जी बोले सनातन तू थोड़ा नमक भी नहीं देते हो, गला को नीचे उतर नहीं रहा है, थोड़ा नमक तो दे। देखो ठाकुर को क्या कहते थे, बोले तेरे पिताजी की नल लाग गया था तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तू घर घर में चोरी चोरी करके खाता था, तेरे को पेट कौन भर सकता है। आज बोलोगे नमक, कल बोलोगे थोड़ी सी सब्जी ला दे, फिर बोलोगे था दूध लाओ, थोड़ा राबड़ी लाओ, भैया मैं कहाँ से लाऊंगा, संत आदमी हूँ, किसी तरह से थोड़ा चून मांग करके पानी में घोल करके पी लेता हूँ, अब भजन करता हूँ। ये ठाकुर इनसे मांगते थे, ठाकुर जी बोलते भैया मैं नहीं दे सकता हूँ, भोजन करना तो कहीं खुद व्यवस्था कर दो, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप लोग कभी बांके बिहारी दर्शन के लिए गए हो, जैसे परिक्रमा में जाओगे ना, अभी तो परिक्रमा मार्ग में इधर से घुसते हैं, देखना वो जो सबसे जो बड़ा मंदिर खड़ा हुआ इनके मंदिर है, श्री मदन मोहन जी को जिन्होंने स्थापन किया, ठाकुर इनको साथ में बात करते थे। इसलिए कभी अकबर इनको दर्शन करने के लिए आया, बोले बाबा मैंने सुना है पहले आप नवाब का प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ करके भजन करने आए। बोले हाँ। बोले मेरे मन में कुछ इच्छा है वृंदावन का धाम का सेवा करूं। वो बाबा ने सोचा कि अब अकबर का मन में अभिमान है, ये सोचता है वृंदावन धाम को सेवा करेगा, इसको पता नहीं ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, इसके मन में अभिमान। बोले एक काम करियो, मैं जिस सीढ़ी में उतर करके मैं स्नान करने जाता हूँ वो सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, पर उसका मरम्मत कर सकते हो। अकबर ने कहा आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अकबर हूँ, बोलोगे तो आपके लिए विशाल मंदिर बना दूँ, गौशाला खोल दूँ, और इस सीढ़ी का एक कोना टूट गया कहते उसको मरम्मत कर दो। बोले पहले आप देखो आप मरम्मत करने के लायक है कि नहीं। तब उन्होंने वो सीढ़ी में जब उतरे तब उनको दिव्य वृंदावन धाम दर्शन कराया। देखा वो जो सीढ़ी बनी हुई वो चिंतामणि से बनी हुई, हीरे जवाहरातों से बनी हुई, उनको देख करके उनका आंख झुलस गया। देखा अगर मैं राज्य को 7-7 बार बेच दूं ना, ये सीढ़ी के कोना को भी मरम्मत करने का मेरे पास में पैसा नहीं होगी। ऐसे ऐसे वृंदावन धाम उसकी सारे अभिमान चकना शुरू हो गया। इसलिए जब भगवान कृष्ण श्री वृंदावन धाम में आए, बोले ये वृंदावन सर्वकाल सुखावह, जहाँ पर एक साथ में 6 ऋतु बहती हैं, जहाँ पर जूई बेली चमेली बड़े सुंदर फूल खिला हुआ रहता है, जहाँ पर एक साथ में जमुना नदी जहाँ पर बहती, अद्भुत श्री वृंदावन धाम है। भगवान जब से वृंदावन धाम में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी सबसे पहले उन्होंने बछड़े चराने के लिए उन्होंने मचल गए। बोले पिताजी हम दोनों भैया कृष्ण बलराम बड़े हो गए, आप वृद्ध हो गए हो, घर में बैठो भजन पूजा करो, हम दोनों भैया हम अभी गैया चराएंगे। नंद बाबा तो सुन करके उनका छाती फूल गया, मेरे लाला कितने अच्छे, देखो अगर कोई बच्चा पिता माता को बोले पिताजी को, पिताजी आप घर में बैठो भजन करो पूजा सेवा करो भक्ति रामायण गीता पढ़ो, हम बच्चे लोग पैसा कमाएंगे, आप घर में बैठ कर भजन करो, बताओ पिता की दिल कैसे लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। इतने खुश हो गए नंद बाबा, इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा। बोले देखो बच्चों अभी तुम बच्चे हो, हमारे घर में बहुत सारी नौकर है, वो लोग गैया चराएंगे बछड़े चराएंगे, तुम क्यों जाओगे। बोले नहीं पिताजी हम तो ग्वाला है, गोधन हमारी गैया हमारी उपास्य है, गोपाल है ना इनकी सेवा करना हमारे धर्म है, इसलिए हम तो गैया चरवाएंगे। बोले ठीक है गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले तुम लोग बछड़े चराओ।
तब सानी लरीसी को बुलाए, कोई अच्छे तिथि को देखो। उन्होंने बोले कार्तिक महीना में जो गोपाष्टमी बहुत बढ़िया दिन, उसी दिन ही कृष्ण बलराम उन्होंने बछड़ा चराने के लिए, ठाकुर जी बछड़े चराने के लिए गए। इतने में बकासुर वहां पर आ गया, बगुला का रूप धारण करते हुए, विशाल रूप धारण करते हुए। इतने में सखा लोग देख तो डर गए हैं। इतने में जब कृष्ण आए, वो बकासुर ने झट कृष्ण को पकड़ कर निकल गया। निकल गया तो कृष्ण अपना शरीर को, लोहे को जैसे गर्म करते हैं, ऐसे शरीर को उन्होंने गर्म कर दिया। इतने में उसने उल्टी कर दी। जब उल्टी कर दी, फिर जब कृष्ण को मारने के लिए गए, दोनों चोंच को ठाकुर पकड़ करके चीर दिया। जहां पर उन्होंने चीर दिया, अभी भी वो गांव का नाम है चिल्ली। और जहां पर कृष्ण को खाने के लिए गए, सखाओं ने बोले भैया कन्या को खा गए रे, खा गए रे, अभी भी उसी गांव का नाम खायोरी। इसलिए कृष्ण ये बकासुर को मारे। बोले कृष्ण शिक्षा क्या दिया? आप लोगों ने कोई बगुला देखे हो? कौन कौन बगुला जीवन में देखे हो? आप देखना, जब बगुला पानी में खड़ा रहता है, एक प्यार में खड़ा रहेगा, दो प्यार नहीं, एक प्यार में खड़ा रहेगा। जैसे ऋषि खड़ा रहता है, हैं? जैसे एक बहुत बड़े तपस्वी। एक समय कृष्ण श्री भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे। राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देख ये बगुला कैसे एक तपस्वी जैसे एक प्यार में खड़ा हुआ। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये कितने बड़े तपस्वी, आप ये मछलियों को पूछे बता देंगे। कहते एक प्यार में क्यों खड़ा रहता है, ये मछलियों को पता नहीं चले ये कोई बगुला है। और जब सामने आए ना, झट उसको पकड़ कर वो निकल जाता है, हैं? इसलिए कहते ये कपट है। इसलिए भगवान ने ये कपटता को दूर करने के लिए, बोले भगवान की भक्ति करने के लिए कपट को दूर करनी चाहिए। ये कपट व्यक्तियों का कभी कल्याण होता ही नहीं। बाहर एक और अंदर जो एक है उसको कपट कहते हैं। भगवान ये बंसुरी क्यों बजाते हैं? बोले बंसुरी में दो गुण है। पहला गुण है अंदर में फोला है, खाली है। दूसरा गुण है कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे ही बजती है। ठाकुर जी कहते अगर हमारे अंदर में ये दो गुण आ जाए ना, ठाकुर जी हमें भी बजाना शुरू कर देंगे, हमें भी ठाकुर जी बजाना शुरू कर देंगे। इसलिए ठाकुर जी सबसे पहले ठाकुर जी ये बकासुर को वध किए, उसके बाद में ठाकुर जी अघासुर को वध किए। बोले अघ मतलब होता है पाप है, ठाकुर जी ये अघासुर को वध किए। आज हम लोग श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की कथा सुनेंगे। आज सबसे बड़ा जो कथा है श्री गिरिराज गोवर्धन की कथा है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। भैया और के माइक है, और के माइक दे सकते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्ण। हमारी यहाँ पर से जीत प्रभु जी, यहाँ पर हमारी एक मंदिर है, ये मंदिर को प्रभु जी देखभाल करते हैं। ये मंदिर को बड़े बड़े उत्सव करते हैं, राधाष्टमी जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से, हैं, राधाष्टमी जन्माष्टमी को पालन करते हैं। इसलिए प्रभु जी आज आप लोगों को बड़ी प्यारी प्यारी कुछ कथा सुनाएंगे प्रभु जी। श्री जीत प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ।
और हमारे बीच में आसीन पूज्य पाद श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी भक्त लोग यहाँ पर आए हुए, माताएं लोग, प्रभु लोग, विशेषकर कथा के जो आयोजक लोग हैं, सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हमारा बहुत सौभाग्यशाली है, हम लोग होड़ा के भक्त लोग विशेषकर पिछले 6 दिन से लगातार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं आनंद से। और इतनी सर्दी का भी पता नहीं लग रहा, सर्दी में भी बहुत जोर से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। ये आप लोगों की श्रद्धा जो है, ये बहुत जन्मों के बाद उदय होती है। भागवत कथा में इन्होंने इतने लोगों को निमंत्रण दिया, जगह जगह होर्डिंग लगाए, बहुत सारे लोगों को फोन किया। अरे खोड़ा में आप घुसते हो ना, कहीं से बहुत सारे, ये जो खोड़ा कॉलोनी है ना, गाजियाबाद से टच है, नोएडा से, दिल्ली से, 3 जगह से टच है। और इतने लोग हैं इसमें, लाखों लाखों लोग हैं, बहुत लोग हैं इसमें। देखो कहीं से भी घुस जाओ, बहुत सारे, पर फिर भी पंडाल में इतने बैठे हैं, यहाँ पर 300-400 लोग बैठे हैं। तो जो लोग बैठे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भागवत कथा में वही लोग बैठ पाते हैं, वही लोग भागवत कथा कर पाते हैं जिनके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं। आप चाहकर भी कोई लोग कथा में बुलाने पर भी नहीं आ पाएंगे, किसी के कुछ हो जाएगा, किसी का मन नहीं होगा, किसी का शरीर साथ नहीं देगा, किसी का कुछ। तो जो लोग आ गए हैं और जो लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो बहुत पुण्य आत्मा ये समझ लीजिए। और जो लोग इस कथा में सहायता कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो हर तरह से यहाँ पर महाराज जी कथा में प्रसाद बांट रहे हैं, टेंट में सहायता कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से जो सहायता कर रहे हैं, क्योंकि भागवत कथा कोई साधारण वस्तु नहीं है। भागवत कथा कौन है? भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान है। जो भगवान दे सकते हैं वही भगवान की कथा दे सकती है, और भगवान की कथा तो भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली और भगवान से भी ज़्यादा दयालु है। क्योंकि जब कृष्ण रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने बड़ा ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण अंदर अंदर जाते रहे। तब गोपियां थक गई और बोली कि यहीं पर बैठ के कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम करती है, और कृष्ण का नाम का गुणगान करने लगी, और वहीं पर कृष्ण चले आए। तो नारद जी से भी ये प्रश्न किया था, भगवान कहाँ पर रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वहाँ पर उनको बोला, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी बारे में कथा बोलते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वहीं पर मैं रहता हूँ। इसलिए कथा में बड़े बड़े देवता अलक्षित रूप से आते हैं। तो जो लोग भी आ रहे हैं वो कम भी बात नहीं, भागवत कथा में जो भी आते हैं देवता के समान ही है, आप लोग भी कम नहीं हो, बहुत बड़े बड़े देवी देवताओं के समान ही है। पुण्य आत्मा ही इस कथा में बैठ पाते हैं। अभी महाराज जी ने 6 दिन कथा यहाँ पर सुनाई, और कल विश्राम दिन है इस कथा का, परसों इस कथा का यज्ञ होगा, जो हवन होगा आदि आदि। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, इस कथा का क्या फल है? इस कथा का बहुत परिश्रम करके महाराज ने बार बार कथा का बताया, इस संसार में सुख नहीं है, भगवान ही एकमात्र सुखदाता, प्रेमदाता, बड़े दयालु हैं और बड़े ही प्रेमिक हैं और बहुत ही रसिक हैं। भगवान के अलावा हमारा जगत में कोई भी नहीं है। अभी जो देखने आ रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है हमारे बहुत लोग जगत में पूछने वाले, परंतु ऐसी बात नहीं है। देखो एक सुंदर सी कथा मैं सुनाऊंगा, महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया कथा सुनाने के लिए। महाराज जी जहाँ पर भी जाते हैं कथा को सुनाते हैं, और ये कथा बड़ी साधारण सी कथा है, परंतु उसमें बड़ी शिक्षाएँ छिपी हुई है, बड़ी शिक्षा इसमें छिपी हुई है। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनो, 5-7 मिनट की कथा है, और आपको इस कथा से बहुत अनमोल शिक्षा मिलेगी, और लेकर जाना तो भागवत का फल है, ये समझ लो, यही हम भागवत से सीखा। तो बहुत ही सुंदर, एक बच्चा भी समझ जाएगा, पर तात्पर्य जब निकालोगे तो बड़े बड़े विद्वान भी समझ नहीं पाते इसका तात्पर्य क्या है। तो महाराज जी एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं। एक राजा की 4 रानी थी, कितनी रानी थी? ध्यान से सुनना, बीच बीच में बताते रहे। एक राजा की 4 रानी थी। तो राजा जो पहली रानी थी, जो राजा उसको बहुत प्रेम करता था, जो भी वो मांगती थी, जब से शादी होके आई है उसको वही चीज उसी समय 10 बजे मांगते थे, 10 बजे खाना, मटर पनीर की सब्जी, जो मटर पनीर ला के देते थे,
साड़ी मांगती साड़ी लाके देते थे, बिंदी तेल जो भी मांगती थी वही लाके, और बोली जो भी आज रात को ही अभी क्या करना है, डिनर में जाना है डिनर में उसके साथ जाता था, बोली कि आज ही ब्यूटी पार्लर में जाना था ब्यूटी पार्लर, गोलगप्पे खाने तो गोलगप्पे खिला देते, जब जब उसकी जो डिमांड हुई वो राजा पूरी करता था। परंतु रानी क्या थी, रानी तो राजा सच में सच्चे हृदय से प्रेम किया, पूरा समय उसको दिया, और रानी थोड़ी से हृदय में क्या था, रानी के हृदय में स्वार्थ था। तो रानी की जो दूसरी, जो राजा की दूसरी रानी थी बहुत सुंदरी थी, राजा जिस भी पार्टी में लेके जाता था उसी को साथ में लेके जाता था और सब जगह दिखाता था, देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर, दूसरी रानी बहुत सुंदरी थी, जवान थी, उसी को पास लेके जाता था। और जब भी जो राजा की तीसरी रानी थी जिससे राजा अपने सुख दुख की बात करता था, थक के घर में आता था, बड़ी सुख दुख की बात करता था, हर बात करता था, और उसकी भी बड़ी मीठी मीठी से बात करता था, उसकी सेवा करता था, सब कुछ उसके लिए बहुत समय एनर्जी देता था राजा, तीसरी रानी थी। और जो चौथी रानी थी, जब से राजा शादी करके आया है तब से कभी उसको पूछा नहीं, कभी उसको पूछा नहीं, ना तो उसको साड़ी दिया ना बिंदी दिया, कभी चला गए ना से उससे कभी मीठी कोई बात की ना कभी उसे पूछा। एक समय क्या हुआ, राजा का अंतिम समय आया, राजा बीमार हो गया और राजा को पता लग गया कि मैं ज्यादा दिन इस जगत में रहूंगा नहीं, तो राजा को एकदम से चारों रानी की याद आई, मैं देखता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन रानी मेरे को प्रेम करती है, मैंने चार रानियों में तीन रानी की तो बस सेवा की है, पर मैं देखता हूँ मेरे साथ सुख दुख में कौन कौन जाती है, कौन मेरी सहायता करती है। जो पहली रानी थी, पहली रानी से जब राजा का अंतिम समय आया, राजा ने पूछा मेरे साथ चलोगी, तो पहली रानी ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। क्यों, तो राजा ने कहा मैंने तो तुम्हें दिन रात तुम्हारी सेवा की, तुम्हें साड़ी ला के दी, बिंदी ला के दी, गोलगप्पे खिलाए, टिक्की खिलाए, ब्यूटी पार्लर ले गया, सब जगह में लेके गया और पूरी एनर्जी मैंने तुम्हें दी, तुम मेरे साथ एक कदम भी नहीं चलोगी। बोले मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, बोले ये तो तुम्हारा कर्तव्य था खिलाना पिलाना, तुम शादी करके आए, ये मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो राजा को बड़ा झटका लगा, राजा ने दूसरी रानी से पूछा, जिसको कौन सी दूसरी रानी थी, जिसको सब जगह पार्टी में लेके जाता, जो बड़ी सुंदरी थी, जवान थी, बहुत सुंदर थी, उसको पूछा तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा अंतिम समय आ रहा है। तो उसने क्या कहा, रानी दूसरी रानी ने कहा मैं तो इंतजार करी तुम कब मरोगे और मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। दूसरी जवान थी ना, बोले देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, जवान हूँ, मेरे से कोई भी शादी कर लेगा। राजा का तो एकदम से जमीन ही खिचक गई पैर के नीचे से। तो राजा ने कहा तीसरी रानी जिससे सुख दुख की बात करता था, तीसरी रानी को बुलाया, बोले कि देखो मेरा अंतिम समय आया, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, तुम मेरे साथ चलोगी। तो तीसरी रानी ने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगी, और कहाँ तक चलूंगी, दरवाजे तक चलूंगी, दरवाजे तक चलूंगी, उसके बाद मैं आगे जा नहीं सकती। तो राजा को थोड़ा सा सांस मिला, कम से कम एक रानी है, तो कहा किसने कहा तीसरी रानी, और जिसको पूरी एनर्जी उसने तो कहा नहीं। तो चौथी रानी थी, राजा उसके पास जाने से भी घबरा रहा था, क्यों, क्योंकि उसकी कभी सेवा नहीं की, कभी उसको कुछ पूछा नहीं, पर भी राजा ने हिम्मत करके पूछा चलो चलते हैं। पहली रानी ने जवाब दिया दूसरी इससे तो खराब देगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगी। जब राजा चौथी रानी के पास गया और उससे पूछा, बड़े शर्मिंदा होकर पूछा मैंने तुम्हारी कोई सेवा तो नहीं की, पर मेरा अंतिम समय आया है, तुम मेरे साथ चलोगी। तो उस रानी ने बड़े उत्साह के साथ कहा हाँ राजा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, दुख में तुम्हारे साथ दुखी, सुख में तुम्हारे साथ सुखी, जैसे जैसे तुम रहोगे, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तेरे साथ चलूंगी, और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि राजा मेरी सेवा को कब ग्रहण करेंगे, इतने समय से मैं वेट कर रही थी, आज वो समय आया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, और राजा इतना प्रसन्न हुआ, राजा ने कहा मैंने सारा जन्म तीन रानी की सेवा में लगा दिया, जो स्वार्थ में निकली, चौथी रानी जो मेरे को प्रेम करती मैं उसको पहचान नहीं पाया। ये कथा सबको समझ में आ गई ना, कितनी एक रानी दो रानी तीन रानी चार रानी है ना, कितनी आसान है। परंतु आप जानते हैं ये हम सबके जीवन में ये शिक्षा है,
पहली रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी, आप बताओ पहली रानी का मतलब क्या है? जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो वस्तु से मांगे उसको ला के देते हैं, क्या है पहला बताओ? शरीर नहीं, घर संसार। पहला है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, माता जी बता रहे क्या है? शरीर। शरीर एक ऐसी वस्तु है, अगर इसको सर्दी लगेगी तो स्वेटर लाएंगे 1800 का, 2000 का शॉल लाएंगे, बढ़िया बढ़िया, कहीं शादी में जाएंगे तो साड़ी पहनाएंगे इसको, और इसको गोलगप्पे खाने की जरूरत तो गोलगप्पे खिलाएंगे, टिक्की खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, और ब्यूटी पार्लर में 4-4 घंटे इसको सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया जैकेट कोट पजामा आदि आदि पहनाते हैं, जब जब शरीर की जरूरत होती है इसको वो खिलाते हैं। पर जब हमारा अंतिम समय आता है, हम शरीर से पूछते हैं कि क्या करो, मेरे साथ चलोगी, तो शरीर क्या एक कदम भी जाता है हमारे साथ? एक कदम भी शरीर चलता नहीं, आत्मा शरीर से निकलती है, वहीं का वहीं रह जाता है। तो जो पहला शरीर है, जिस शरीर आत्मा में अंतर है, तो हम शरीर के लिए इतना काम करते हैं, कभी भी एक समय शरीर भी हमारे साथ नहीं देगा। जब हमें पैरालाइज भी हो जाता है, या याददाश्त चली जाती है, कोमा में चले जाते हैं, आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर भी काम नहीं आता, जिसके लिए हम इतना जीवन लगा रहे हैं। दूसरी रानी क्या है? जिसको हम सब जगह दिखाते हैं, जिसको मैंने बताया दूसरी रानी जो बड़ी सुंदरी है, कौन है बताओ? पैसा। धन है जिसको हम दिखाते हैं, जिसके पास धन हो ना, वो जो आप देखोगे जो बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, 1 करोड़ की शादी, 2 करोड़ की शादी, 4 करोड़ की शादी, या सोना इतना दिया, या इतना हमारे पास बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, या क्या क्या जो सब जगह दिखाते हैं, पर जब अंतिम समय आता है तो दूसरी रानी ने क्या जवाब दिया था? मैं इंतजार करी तुम कम मरोगे और मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। तो धन एक ऐसी वस्तु है आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे ना, ऐसे ही दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, बेटा ले लेंगे, या बेटा नहीं होगा तो बेटी ले लेंगी, या पड़ोसी ले लेंगे, या पत्नी के नाम हो जाएगा, या भैयाओं के नाम हो जाएगा। एक सेकंड में ही मरने के बाद ही सब लोग उसी को उसी की तरफ भागते हैं। अगर कोई शरीर छोड़ने जा रहा हो, आपने देखा पुराने पुराने अभी भी गाँव में बहुत रोएंगे रोएंगे रोते रोते कहते हैं, बूढ़ा होता है ना, बुढ़िया ने शरीर छोड़ दिया और बूढ़ा गया पिताजी है, तो पिताजी कहते हैं बेटा तेरी माँ के अंगूठी में 3 उंगली थी, उंगली में वो तो निकाल ले, फिर रोने लगते हैं चुप होके। तो अंतिम समय अंगूठी को भी निकाल लेते हैं वो, और क्या करते हैं उसी समय, क्या करते हैं सारा धन तो दूसरे के नाम हो जाता है, और जिसको दिन रात कमाया 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा हम कमा रहे, ना भगवान की शुद्ध है ना किसी की शुद्ध है, हमारे साथ जाएगा क्या? पूरा दिन जिसमें लगा रहे हैं वो भी क्या दूसरे के नाम हो जाता है। और तीसरी रानी क्या है? तीसरी रानी क्या है जिसको जो जिससे मीठी मीठी बात करते हैं, अपने सुख दुख की बात करते हैं, वो क्या है? पड़ोसी या रिश्तेदार, पत्नी या बच्चे आदि आदि, या पड़ोसी। उसने क्या जवाब दिया था? मैं कहाँ तक चलूंगी? दरवाजे तक चलूंगी। तो जो रिश्तेदार है अंतिम समय कहाँ तक जाते हैं? पत्नी कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक। और रिश्तेदार कहाँ तक जाते हैं? शमशान घाट तक, और वहां से ही टाटा करके वो भी आ जाते हैं। और जो चौथी रानी है, चौथी रानी कौन है? चौथी रानी है भगवान, जिसको जीवन में कोई समय नहीं दिया और जिसका हमने कभी नाम नहीं किया। चौथी रानी को पूछा तुम मेरे साथ चलोगी, तो भगवान ने क्या जवाब दिया कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भगवान कौन है? जो हमारे हृदय में बैठे, सभी लोगों के हृदय में भगवान बैठे और बहुत जन्मों से इंतजार कर रहे, कब मेरा नाम लेगा, कब मेरे को पूछेंगे, कब मैं उनके पास जाऊं, पर हम उनको एकदम नेग्लेक्ट करके रख रहे हैं। पहली रानी धन, पहली रानी शरीर, दूसरी रानी धन, तीसरी रानी रिश्तेदार, नाते, सब में लगे पड़े, पर अंतिम समय हर जन्म में जब जब हम जन्म लेंगे तब भगवान हमारे साथ जाएंगे और हमारा एकमात्र वही साथ देंगे, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। पैसा कब तक साथ देता है? जब तक जेब में पैसे हैं। लोग कहते हैं आप कैसे हैं, पैसा कौन आप कौन, इसलिए जगत के लोग कहें स्वार्थी हैं। जब तक आप सुंदर हैं सब लोग पूछेंगे, जितनी सुंदरता जल जाओगे कोई कुछ हो जाएगा। मैं खुद देखा, एक पति पत्नी इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे आपस में, बोले कि 7 जन्मों तक यही पत्नी मेरे को मिली, पर पत्नी का एक्सीडेंट हो गया अभी 2 साल पहले की बात है, और पत्नी को क्या पैर से चलाने जा रहा, पैरालाइज हो गया, तो उसने 1 महीने सेवा की, 1 महीने से ज्यादा वो कहते हैं उसने दूसरी शादी कर ली,
दूसरी शादी करनी। इसलिए क्या हुआ, ये मैं सोचा हम बहुत सुंदर है, हमें बहुत लोग प्रेम करने वाले, कोई भी किसी को प्रेम नहीं कर रहा। जब तक आपके पास कुछ वस्तु है तब तक आपको प्रेम करने वाले हैं। कोई साधन नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, जब देखो आपको कौन कितने लोग पूछेंगे। इसलिए क्या करो, भगवान क्या, देखो भगवान बड़े दयालु हैं और जन्मों जन्मों तक हमारा साथ देने वाले हैं, वो हमेशा हमारे साथ जाएंगे। और एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी, जवानी में भी, हर जन्म में हमारा इंतजार करते हैं। इसलिए आप क्या करो, भागवत से ये शिक्षा लेके जाओ, हमें आज से क्या करना है, चौथी रानी को प्रेम करना है। हाँ देखो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, कहते ये चौथी रानी कौन है, कहते ये चौथी रानी को कौन है, बोले भगवान की भक्ति और ये चौथी रानी भगवान का नाम है, ये चौथी रानी भगवान की नाम है, हैं? इसलिए किसी व्यक्ति को बोलो भैया थोड़ी सी भगवान का नाम जप करो, बोले समय कहाँ है हमारे पास। राजा तीनों रानी को तो प्यार किया जो साथ में गई नहीं, चौथी रानी भगवान का नाम जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर गया था, ऐसे बेकार चीज है ये भगवान का नाम कौन करते, जिसका कोई काम धाम है नहीं, कोई बैठ करके राम राम कृष्ण 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 करते रहते, ये जो बेकार काम है। लेकिन भैया जो कुछ बोलो, लेकिन जब अंतिम समय में शरीर छुपता है, जब चार व्यक्ति हमें कंधे पर ले जाते हैं, आप बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, हम लोग सुने वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। बोले बेटा जितने तुमने राम का नाम लिया, जितने तुमने कृष्ण का नाम लिया, वही तेरे साथ में जा रहे हैं, सब कोई बात झूठा है। इसको सिवाय तुमने जो कुछ किए हो, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं चला। पत्नी गई तो कहाँ तक गई, दरवाजा तक गई, परिवार गए तो कहाँ तक गए, शमशान तक गए, वहीं पर जला करके टाटा करके आ गए। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा की भजन है, अब लोग की भजन को सब लोग गाते हैं, मीरा यही कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में तुम मिला क्या है, बोले जितने भगवान के नाम जप किया, बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबाई खुआ है। ये मीरा की ये भजन है, अंतिम समय में प्रभु का नाम धन ही, ये ऐसे एक धन है जो हमारे साथ में यही चलने वाली है, हैं? यही चलने वाली है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की नाम रूपी धन को हमें इकट्ठे करनी चाहिए, क्योंकि यही धन ही हमारी साथ में जाने वाली है। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जैसे आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, अभी ये चोला केवल बदल जाए, बताओ हमारे साथ में कितने धन जाएगी, बताओ यहाँ से कितने पैसा हम ले जाएंगे, बोलो ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, एक भी पैसा हमारे साथ में यहाँ नहीं जाने वाला। हमारे गुरु जी कहते थे, मानो नेक्स्ट जीवन में आप पास घर में जन्म हुई, लेकिन ऐसे घर में हमारी जन्म हुई जो कि हमारे पास में रोटी की खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं, रोटी भी हमारे नसीब में नहीं जुटना है, लेकिन हमें पता है ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी, अब वो याद है, अब जा करके बोलो अपना बेटा बेटी बच्चों से, पहले जीवन में ये दुकान मकान ये फैक्ट्री मेरा ही था, मैंने ही सब कमाया, अभी मेरे को ये गरीब घर में जन्म हुआ है, अभी मेरे पास में कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, अभी हमें खाने के लिए हमारे पास में कोई चीज़ नहीं, कुछ हमें खाने के लिए दो, आप बताओ आपको बच्चे पति आपको कुछ देंगे कि नहीं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बैठ जाओ
ऊपर में स्वागत कर देंगे, 10 मिनट में स्वागत कर देंगे, ठीक है? ये इस हाँ बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय राधा रानी की जय महारानी की 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 जय गिरधारी की जय बलवारी की जय बलकुंज बिहारी की जय 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 बलकुंज बिहारी की जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय बलवारी की जय गिरधारी की जय बलवारी की जय बलकुंज बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बलराज महाराज की जय जय श्री राम बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए हमें आप लोग बताओ कौन सा रानी को हमें ज्यादा प्यार करनी चाहिए? चार रानियों में कौन सा रानी को ज्यादा प्यार करनी चाहिए? चौथे नंबर वाली को। कौन सा रानी को? चौथे नंबर वाली को। चौथी रानी को प्यार करनी चाहिए, ठीक है ना? वो चौथी रानी क्या है? ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का नाम है। देखो हमारे बड़े गुरु जी और एक बात बोलते थे, ध्यान देकर सुना। जैसे आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान देकर सुना, एक काम की बात है। प्रभु जी आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसलिए जैसे आप वृंदावन जाओगे, आप लोग बताओ वृंदावन यहाँ से कितना किलोमीटर है, कितना दूर है वृंदावन यहाँ से कितना दूर है? 200 कितना दूर है वृंदावन? 150 किलोमीटर करके यहाँ से 150 किलोमीटर होगा। जैसे आप वृंदावन, आप 3 दिन के लिए आप वृंदावन यात्रा कर रहे हो, कितना दिन के लिए यात्रा कर रहे हो? 3 दिन के लिए आप वृंदावन यात्रा कर रहे हो। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन मेरे को उत्तर दे सकता है। जैसे 3 दिन के लिए वृंदावन यात्रा कर रहे हो, जब हम वृंदावन यात्रा करते हैं, हमारे पास में ऐसे कौन सा वस्तु हो जो यात्रा करते समय हम बड़ी खुश होकर के यात्रा करेंगे? भले ही कोई चीज हमारे पास में नहीं हो, केवल एक चीज हमारे पास में हो जो यात्रा हमारी बड़ी आनंद पूर्वक जो यात्रा करेंगे, बताओ तो ऐसे कौन सा चीज है? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, जोर से बोला। ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत बड़ी चीज। लेकिन साधारण मैं प्रश्न करता हूँ, 3 दिन की यात्रा कर रहे हो, आपके पास में कुछ भी नहीं, लेकिन एक वस्तु आपके पास में है,
ऐसे कौन सा एक वस्तु हो जो वृंदावन का 3 दिन के लिए यात्रा कर रहे हो, बड़े आनंद पूर्वक यात्रा कर, कौन बोलेगा हाथ उठाओ? अब लोग आंसर नहीं देता रहे, बोलो कौन सा चीज है? हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, ये पैसा है। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं हो लेकिन आपके पास में पकेट गर्म है, आपके पास में पैसा है, अब देखना बड़े आनंद पूर्वक आप 3 दिन के लिए वृंदावन की यात्रा करोगे। बोले भैया कोई बात नहीं, हमारे पास में पैसा है, पैसा आ गया तो बढ़िया होटल में रह जाओगे, बढ़िया जगह में खाओगे पियोगे मस्ती से, कोई कपड़ा भी नहीं हो कपड़ा भी खरीदी कर लोगे। देखो केवल 3 दिन की यात्रा है, हम 3 दिन की यात्रा के लिए सबसे पहले हम सोचते हैं हमारे पास में कितने पैसा है, सबसे पहले ये चीज को सोचते हैं, पैसा हो बड़े आनंद से चलते हैं। क्या उसी तरह एक दिन हमारी भी कभी यात्रा होने वाली है, लेकिन वो यात्रा कोई नहीं बोल सकता है वो यात्रा कब हमें करना पड़ जाएगी, क्योंकि एक दिन सभी की यात्रा होने वाला है लेकिन वो यात्रा सबका अंतिम यात्रा होगा, लेकिन ये कब होगा कोई नहीं बोल सकता। कब हमने जो श्वास छोड़े है ना, दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे किसको पास में गारंटी नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, हम इतना दिन बाद में हमारे श्वास बंद होने वाले, इसलिए ये संत कहते हैं फिर हमारा पास में ऐसे कौन सा धन हो जो धन अगर हमारे पास में हो बड़े आनंद पूर्वक ये हमारी अंतिम यात्रा होगी, बड़े खुश होकर के हम यात्रा करेंगे, बता सकते हैं वो कौन सा धन है? हाँ, इसलिए मीरा कहती है भैया 3 दिन के लिए यात्रा कर रहे हो, पहले सोचते हो पकेट गर्म ना नरम है, लेकिन जो यात्रा हमारी अंतिम यात्रा होगी कब भी हो सकता है भैया, उसी के लिए हम कुछ तैयारी करते कि नहीं? यहाँ पर तो रहने के लिए बड़े दुकान मकान गाड़ी बनाए, लेकिन उसको बाद में फिर कौन सा धन हमारी काम करेगा? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पा, ये कबीर दास की दुआ है। कबीर कहते हैं जगत में मरने के लिए सब डरते हैं, कोई मरना चाहते हो बताओ? कोई मरना नहीं चाहते, लेकिन कबीर जी कहते भैया मेरा मन आनंद है। किसने कहा भैया दुनिया मरने के लिए सब डरते, तू इतना आनंद क्यों कहते हो? बोले इसलिए आनंद हो कब मरी हो कब भेटी हो परमानंद हो। वो कबीर जी कहते दिन भर जिंदगी भर मैंने ये प्रभु का राम नाम के मैंने धन लुटा, मैंने ये धन मेरे पास में पूरा के पूरा गर्म है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लुटे वो सब मालामाल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हो। इसलिए कबीर कहते हैं अगर आप जिंदगी भर प्रभु का नाम रूपी धन लुटो ना, अंतिम समय में यही धन ही हमें पूरा के पूरा, इसको कोई नहीं ले सकता है। पिता कमाएगा तो उसके लिए बेटे नहीं ले सकता है, बेटा कमाएगा पिता नहीं, जो कमाएगा वही ही इसकी मालिक बनेगा, और अगली जीवन में ब्याज समेत आपको ये धन मिलने वाले। इसलिए चौथी रानी भगवान के नाम धन है, इसलिए आप लोग कोशिश करना प्रभु के नाम धन को लुटने के लिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप लोगों को बोलो, मैं सुनूंगा जोर से, क्योंकि धनी आपके साथ में जाने वाले। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, अगर ये धन हो फिर तो हम माला माल ही। देखो जैसे आपसे और एक प्रश्न करता हूँ, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो, लंदन, फ्रांस, कोई विदेश में जाना चाहते हो, बताओ तो आपके पास में इसे कौन सा चीज होनी चाहिए जो कि आप विदेश यात्रा कर सकते हो? कौन बोलेगा हाथ उठाओ, बताओ कौन बोलेगा? अरे बोलो, जैसे आप विदेश जाना चाहते हो अमेरिका लंदन, क्या पास में होनी चाहिए जो कि वहां जा सकते हो? पासपोर्ट। हाँ, पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरा नंबर में वीजा, और तीसरे नंबर में टिकट। अगर ये 3 चीज होना आप किसी कंट्री में आप आसानी से आप जा सकते हो।
इसलिए हमारे भागवत कहता है अगर कोई ठाकुर जी को पास में अगर कोई जाना चाहते हैं, हमारे पास में भी ये तीन चीज होनी चाहिए, फिर तो हम आसानी से ठाकुर जी को पास में जा सकते हैं। पहला नंबर है, कहते ये पासपोर्ट होनी चाहिए। कहते भैया ये पासपोर्ट क्या है? हमारे भागवत में जम महाराज कहते हैं भैया आपके पास में जरूर ये तुलसी की कंठी होनी चाहिए, तुलसी कंठी जरूर होनी चाहिए हैं। तुलसी कंठी के बगैर ये शरीर हमारी पवित्र नहीं होता है हैं। दूसरा चीज भीजा, बोले भैया भीजा क्या है? बोले जरूर आपका ललाट में तिलक होनी चाहिए। ललाट में आप लोग तो हिंदू लोग है, देखना जैसे आप किसी अच्छे बिजनेस में जा रहे हैं, देखना आपको तिलक लगाकर भेजते हैं, जाओ तुम्हारी ये काम बन जाए। घर में कोई ब्राह्मण आता है पूजा कराने के लिए, सबसे पहले क्या करता है? वो तिलक लगाए बगैर पूजा नहीं करता है। इसलिए आप भगवान कृष्ण को देखो, बांके बिहारी को तिलक है कि नहीं? भगवान राम को देखो तिलक है कि नहीं? हनुमान जी को देखो तिलक है कि नहीं? ये सबकी ललाट में गणेश जी का देखना तिलक है। ये तिलक पवित्र वस्तु है, ये गोपियों की चरण धूलि है। और जो तीसरी वस्तु टिकट है, कहते भैया ये टिकट क्या है? बोले ठाकुर जी की नाम है, ठाकुर जी की नाम यही टिकट है। अगर ये तीन चीज हो ना, हम जरूर ठाकुर जी की धाम में जा सकते हैं, जहाँ जाने से हमारे दुख कष्ट जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्ति पा सकते हैं। हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है, ये तिलक कंठी माला के विषय में सुने थोड़ी बात बताएगा, अब थोड़ी सी इसकी कथा सुन लो। हाँ देखो ये जो बच्चा है, अब ये मत समझो अरे ये बाबा लोग कोई लिखे बड़े नहीं है, ये तो बेस है। तो बताओ तो तुमने किया पढ़ाओ, बताओ तो, बोलो जोर से। मैंने हरे कृष्णा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, वो भी हरियाणा के सेकेंड टॉप मोस्ट कॉलेज से, और पूरे डिपार्टमेंट में सेकेंड रैंक प्राप्त करी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि किसी के लिए भले ही ये प्रदर्शन का विषय हो, पर वैष्णवों के लिए उत्तम दर्शन का विषय है। अतः एव आप लोग सब सावधान होकर के सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए। श्री गुरुवेभ्यो नमः। गौरांगी मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतं मन्दिमा शून्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधेरिति ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुतं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साम्बुपयोधिशोभनम् शशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहिक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शरशां चतुर्भुजं। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव जो कि व्यासासन पर विराजमान है, इनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव को पूज्यपाद भक्ति विद्वान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग भागवत प्रेमी जो आज अपने दिव्य इस समय को यहाँ पर आच्छादित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सद्गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं भगवान के तो जो दिव्य चिन्ह हैं, वैष्णवों के जो दिव्य चिन्ह हैं, तिलक और कंठी के विषय में बता दूं। देखिए, पहले सबसे पहले मैं तिलक कंठी के विषय में बताता हूं। हम लोग ये कंठी धारण करते हैं, क्यों करते हैं? भागवत जी में गोपियां इस कंठी के विषय में, गोपियां तुलसी जी के विषय में कह रही हैं, हम जो ये कंठी धारण करते हैं ये तुलसी जी की कंठी है। गोपियां कह रही है भागवत जी में, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विभ्रत दृष्टः केन प्रियच्युता। हे तुलसी कल्याणी, बताइए श्री गोविंद कहाँ है? ये कल्याणकारी है ये कंठी, हम लोग क्यों धारण करते हैं? देखिए, आज हम लोग आज का जो समय है वह मेरिट्स और डीमेरिट्स का है। भाई हम लोग कोई चीज धारण करें, क्यों धारण करें? तिलक के विषय में महाराज जी ने बताया, भाई क्यों तिलक धारण करें, क्यों कंठी धारण करें? पहले मैं कंठी के विषय में बताता हूँ। पद्म पुराण में कहा है,
जिसके गले में कंठी है ना, और हम लोग जब स्नान करते हैं, स्नान करते हुए जब सिर से जल नीचे गिरता है और कंठी यदि गले में है तुलसी जी की, उसको छू करके यदि पूरा जल पूरे शरीर पर पड़ता है, तो पूरे भारतवर्ष में समस्त भारतवर्ष के समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तुलस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नानं भवनिति तेन न संशयः। पद्म पुराण 9वें अध्याय का 62वां श्लोक। उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं, हम लोगों ने रोटी का एक निवाला लिया, उसको तोड़ा, उसके बाद उसको सब्जी से आच्छादित किया, उसके बाद वो हमने अपने मुख में रखा, जीभ से स्वाद लेने के उपरांत जब वह अन्न का कोर कंठ में पहुंचता है और कंठ में तुलसी है, तो स्कंद पुराण कहता है सिक्ते सिक्ते तु लभते बाज में यदि फलम मुने। जब वह अन्न का दाना इस तुलसी को छूता है तो 100-100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी जी की महिमा है। और तिलक, हम वैष्णव लोग जो तिलक लगाते हैं उसका नाम है ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्याख्यं ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। हम लोगों ने सुना होगा चलते चलते कोई व्यक्ति मर जाता है, कहीं भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम सोचते हैं उसकी क्या गति होगी, क्या होगा, क्या गति हुई है कि दुर्गति हुई है। देखो वैष्णवों की कभी दुर्गति नहीं होती। यदि हम लोगों का अचानक कहीं प्रयाण हो जाता, हम लोग चले जाते हैं और यदि मस्तक पर तिलक है, तो भगवान कहते हैं मम लोके महीयते, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना विमान भेजूंगा और विमान में बैठ करके मेरे धाम को बुलाऊंगा। ये तिलक का विषय है। ऊर्ध्वपुंड्रो धर्योर मृत्योर स्मृयते यत्र कुत्रचित स्वपाकोऽपि विमानस्त्वं मम लोके महीयते। जैसे कोई नई नई दुल्हन और महाराज वो चले अपने घर से बाहर चले और उसके मस्तक पर बिंदी सुशोभित हो, गले में मंगलसूत्र हो, मांग में सिंदूर आपोलित कर रखा हो, तो जब वो अपने घर के बाहर जाती है तो सामने खड़ा कामी व्यक्ति उसकी तरफ दृष्टिपात करता है, तो जैसे उसको दिखता है कि नहीं, इसके गले में मंगलसूत्र है, ये किसी की परिणिता है, इसका पाणि ग्रहण हो चुका है, इसके पिता ने वर का हाथ लेकर के उसके ऊपर इसका हाथ धर के और कन्या दान का दिव्य सुअवसर प्राप्त किया है, तो इस पर नजर नहीं डालनी है, ये किसी की परिणिता हो गई है। ऐसे ही जब वैष्णव तिलक और कंठी आपोलित करके बाहर निकलता है, तो गंदी कामना और वासना भी एक बार देख करके उसको सावधान हो जाती है कि इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, ये श्री गोविंद का है। सबते बड़ी तिलक अरुमाला सदा सहाय रहे गोपाला, दूब साटी जो संत ही मारे तिनको चक्र सुदर्शन जारे। यदि मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है, तो निश्चिंत हो जाइए, श्री गोविंद मुरली लेकर के और एक हाथ में श्री चक्र लेकर के आपकी रक्षा के लिए सतत खड़े होंगे। अतः एव आप लोग कंठी और तिलक अवश्य धारण कीजिए। एक बार श्री हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण ने देखा हनुमान जी को। रावण ने पहला प्रश्न किया हनुमान जी से, कहते कपे है, हे वानर तू कौन है? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, भैया हम कौन है, क्या मैं कहूं मैं अंजनानंदन हूं, नहीं ये भी टेम्परेरी, क्या मैं कहूं मैं पवन सुत हूं, नहीं ये भी टेम्परेरी। हनुमान जी को पता नहीं चल रहा था, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी ने पहले राम जी को चूड़ामणि दे दी थी, तो एक चूड़ामणि की एक मणि में से साक्षात भगवती सीता ने प्रकट होकर के हनुमान जी को प्रबोध प्रदान किया। तब जाकर के हनुमान ने पूरी लंका की सभा में कहा, हे पौरत सकलोद्भव ब्राह्मण, हे दशानन, जानता है मैं कौन हूँ? दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं श्री राम के चरणों का दास हूँ, श्री भगवान के चरणों का दास हूँ।
इसीलिए तो हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, हनुमान जी भक्तों में शिरोमणि है। आपने सुना होगा ना, जब छोटे से थे हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे, जन्म दे जगी जठर में ज्वाल और गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल समझ फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी भी अपने मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, गले में कंठी धारण करते हैं, कंठे न बानरत्य पुरम पहा, ये श्रीमद् वाल्मीकि हनुमान नाटक का श्लोक है। अतः एव आप कंठी अवश्य धारण करें। तो हनुमान जी ने कहा मैं भगवान के चरणों का दास हूं, यही हमारा असली इंट्रोडक्शन है। हम कौन हैं? क्या मैं कहूं मैं इनका बेटा हूं, मैं उनका बेटा हूं? ये नहीं, ये टेम्परेरी, ये हमारा इंट्रोडक्शन टेम्परेरी है। वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूपे होय कृष्णेर नित्य दास। भैया हम लोग नित्य नित्य श्री गोविंद के ही दास हैं, इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन हमारा कोई नहीं हो सकता। भगवान के ही दास हैं हम लोग और सदा भगवान से ही प्रीति रखेंगे। अरे हमारी आंख की कोर पे लगा हुआ काजल भी इतना निकट नहीं है जितने श्री भगवान हमसे निकट है, जितने श्री भगवान हमारे निकट है। अतः एव ये समस्त शास्त्रोक्त बातें आप लोगों को मैंने सुनाई है, ये सारे के सारे शब्द मेरे पूज्य श्री महाराज जी के हैं। मैं तो बोलने के लिए केवल निमित्त मात्र हूँ, पर बाकी इन्होंने जो मुझे पढ़ाया वो सब मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया इन्हीं सभी शब्दों के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। आप लोग कोई वृंदावन गए? कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन वृंदावन गए? हम लोग वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर में कभी गए हो? वृंदावन में इस्कॉन मंदिर कभी गए हो? आप देखना, इस्कॉन में अंग्रेजी लोग हैं, कोई अमेरिका की, कोई लंदन की, कोई फ्रांस की, कोई जर्मन की, कोई रशिया की, लोगों को देखोगे वहाँ पर। जब देखोगे, हम तो हिंदू हैं, आप लोग देखना उनकी गले में, देखना कितने मोटे मोटे माला देखोगे, उनकी चोटी देखोगे, उनकी चोटी देखोगे, माला देखोगे, उनको हाथ में माला जब करते हुए देखोगे। और हम लोग तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, वो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, वो हरे कृष्ण राधे राधे, वो सबके सब भगवान के नाम जब करते हैं। अभी धीरे धीरे ये विदेशी लोग भी अपना कल्चर छोड़ करके हमारी हिंदू कल्चरों का, हमारी सनातन कल्चर का फॉलो कर रहे हैं। मैं अभी रशिया जाऊँगा कुछ दिन बाद में, वहाँ पर लड़कियों ने सरकार को साथ में केस किया। जानते हो क्या केस किया? कहते हम साड़ी पहन करके हम क्यों कॉलेज में नहीं जाएंगे। वो केस किया सरकार के ऊपर में, हम साड़ी पहन करके जाएंगे, इतने भारतीय संस्कृति की इतने आदर देते हैं, लेकिन हमारे देश में लड़कियां हम जीन्स पहन करके नहीं जाएंगे। अभी वो हमारी संस्कृति ले रहे हैं। देखो हम हिंदू हैं, हमारे मूल ग्रंथ गीता, गीता है ना हमारी गीता। अगर किसको पूछे भैया कोई गीता का आएगा श्लोक बोलो। मैं गया था अभी जयपुर कथा करने के लिए, मैं आ रहा था, देखा एक 5 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने उसको पूछा भैया तेरा नाम क्या है? उसका नाम से मेरे को पता चला ये मुसलमान लड़का है। तो मैंने उससे पूछा भैया तेरे को कुरान आती है? वो बच्चा छाती फुला कर कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने उम्र से कुरान पढ़ाती? वो बच्चा कहता है 2 साल उम्र से कंपलसरी हमारी मुसलमान धर्म में 2 साल उम्र में कुरान पढ़ाना कंपलसरी उनको धर्म में। आप लोग देखे होंगे शुक्रवार का दिन छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना कर ले जाते हैं, मेन रोड में बैठा कर कुरान पढ़ाते हैं, इतने अपना धर्म के प्रति निष्ठा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? देखो ये आपका, आपको सही घटना कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने फरीदाबाद में किसी ओल्ड हॉस्पिटल में गया, ओल्ड हाउस में गया, तब हम लोगों ने कीर्तन किया, सत्संग किया, कुछ लोग आकर हमारे पास में बैठे, बोले बाबा हमारी पास में ना जो कोठी 5-5 गज की कोठी है, किसने कहा हमारे पास में 1000 गज की कोठी है? फिर मैंने कहा भैया तुम फिर ओल्ड हाउस में क्यों बिता रहे हो? देखो क्या आप लोग की चीज सीखो चीज से। कहते मैंने बच्चों को बोले पढ़ो 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 पढ़ो, एटीएम में कार्ड बनाया, लेकिन उसके ऊपर मैंने कोई संस्कृति, कोई भारतीय संस्कृति नहीं,
कोई भक्ति का कोई संस्कृति नहीं दिया, वो बच्चा इतने नास्तिक बना, इतने नास्तिक बना, पिता माता को कोई आदर नहीं था। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी के पास में किसी ने आया, जो हमारे बड़े गुरु जी है जिसने पृथ्वी में भक्ति धर्म प्रचार की, बोले गुरुदेव बच्चा बात नहीं सुनता है। देखो वो क्या, गुरु जी क्या, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते कि नहीं, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, यही दुर्गत उसकी हो। क्योंकि रामायण पढ़ते तो रामायण में क्या लिखा हुआ है, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। अब रामायण देखे हो ना, भगवान सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे। जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान चरण की सेवा करते हैं, करते हैं ना, उन्होंने पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 14 साल ठाकुर जी गए वनवास में, 14 साल के लिए गए। अपना बेटे को बोले 14 दिन के लिए तू चले जा, अपना मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने चले जाएगा, लेकिन पिता माता की आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी नहीं जाएगा। बोले क्यों, हमारे गुरु जी कहते थे हम अपना बच्चों के ऊपर में कोई भी हमारी संस्कृति की छाप देना नहीं चाहते। स्मार्टफोन पकड़ा देंगे, बेटा ले स्मार्टफोन ले ले, जिसमें तुम्हारी जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन बोलेंगे नहीं एक माला जप कर तू, बोलेंगे नहीं तू रामायण पढ़, गीता पढ़, बड़े बच्चे तो नास्तिक बनेंगे, नास्तिक बनेंगे तो तुम्हारी सेवा कहाँ से करेंगे। इसलिए पहले गुरु है पिता माता, सबसे पहले अपना स्वयं भजन करो, स्वयं तिलक लगाओ, स्वयं कंठी पहनो, स्वयं भगवान की भजन करो, फिर बच्चे तुम्हारी कर सकते। अगर खुद दिन भर स्मार्टफोन लेकर पढ़े, दिन भर टीवी देख रहे हैं, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, बच्चे से कहाँ संस्कार पड़ेगी। पहला गुरु तो पिता माता है सबसे पहले, वो तो मैया पिता से सबसे पहले सीखेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपना घर राम राज्य बने, इसलिए अयोध्या बोलते हैं ना, अयोध्या मतलब क्या, जहाँ युद्ध नहीं होता है, अवध मतलब क्या, जहाँ वध नहीं है। कब ये अयोध्या बनेगा हमारी घर, कब ये हैं, कब बनेगा, तभी बनेगा जब अपना घर में रामायण पढ़ेंगे और बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे, तभी ये चीज बन सकती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कोशिश करना, खुद भगवान की भक्ति करे, भजन करे, और बच्चों को अंदर में भी अच्छी संस्कार डाले, बच्चे बड़े होकर के पिता माता की आदर करे, पिता माता की सेवा करे। सबके सब अगर हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। अभी आप लोग सावधान से गिरिराज की कथा सुनो। देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये कोई पहाड़ नहीं है। ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से, हमारे अलग अलग पुराण में इनकी अलग अलग कथा है, हैं? इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन को बताए ये सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब गिरिराज गोवर्धन से आप जो किसी चीज को प्रार्थना करो, गिरिराज सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। आगे कि आगे तो आने दो ना कथा सुनो। इसलिए से गिरिराज गोवर्धन को नहीं, बोले ये सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज, मतलब इनकी जो परिक्रमा करते हैं स्वयं ठाकुर जी हैं, कृष्णा स्वयं उसको पीछे पीछे, ठाकुर जी उसको पीछे पीछे घूमते हैं, भैया इतना कष्ट करके ये मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा। जो कुछ गिरिराज से मांगो गुरुदेव, गिरिराज सब इच्छा पूरी कर देते हैं। कहते गिरिराज की इतने महिमा क्यों, कल हम सुन रहे थे ना, आप गिरिराज में जा करके देखोगे गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ। बोले किस लिए, बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख दो ना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते हैं। जिनका बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, गिरिराज जाओ परिक्रमा करो, उनकी अभिषेक करो, बेटा बेटी की शादी हो जाएगी। जिसकी नौकरी चाकरी नहीं है, गिरिराज से जाओ, उनकी परिक्रमा उनकी पूजा करो, गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी करते हैं। क्योंकि स्वयं बांके बिहारी विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करते हैं,
बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की और स्वयं कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज की हमारे बीच में लोकेश प्रजापति जी आ चुके हैं और मैं मंत्री से कहूंगा आगे आए और जोरदार तालियों से स्वागत करें। भागवत में आपने बहुत हमारा सौभाग्य बढ़ाया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आगे थोड़ा मंच पे जगह दे दें, जरा थोड़ा नीचे आ जाएंगे भैया, हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, इन्हें जगह दीजिए थोड़ा बैठने के लिए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय मंत्री लोकेश प्रजापति जी। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय आधार मन हरि गोविंद जय जय आधार मन हरि गोविंद जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोले राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की 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 जय मेरे धारी की जय बनवारी की जय मेरे धारी की जय बनवारी मेरे धारी की जय बनवारी की जय मेरे धारी की जय बनवारी की जय बोल कुंज बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय मेरे भारी की जय बनवारी की जय मेरे भारी की जय बनवारी की जय बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल कुंज बिहारी की जय 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मान गली में हरि बोल कुंज गली में हरि बोल बरसाने में हरि साकी गोर पे सावली में हरे हरे राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे प्रेम से बोलो हरे हरे सामने बोलो हरे हरे जोर से बोलो हरे हरे आवाज बनाए हरे हरे राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे जय जय श्री राम श्री बांके बिहारी की जय जय श्री श्री राधे श्याम। अब हो गया स्वागत करना कौन नहीं बस मिनट लगेगा हाँ। और अभी गिरिराज की कथा हो रही है, थोड़ा गिरिराज की कथा सुनिए ठीक। आप बैठ के कथा सुनो, सबके सब बैठ जाओ, कोई खड़े मत रहो। हाँ हरे कृष्ण बोले श्री गिरिराज महाराज की। जोर से जयकार दो,
तो जितने जोर से ठाकुर का जय होगा ना उसको उतना ही जय होता है। भगवान की थोड़ी जय, ठाकुर तो जय की जयकार है। इसलिए जो जितना जोर से गिरिराज की जय दोगे उतना ही फलते फूलते रहोगे, क्योंकि गिरिराज सारी इच्छाओं को, वो कृष्ण की इच्छा को भी गिरिराज पूरी करते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री राधे। बोले ये गिरिराज है कौन और आए कहां से, ये गर्ग संहिता कथा है। बोले एक समय गोलोक वृंदावन में श्री बांके बिहारी राधा रानी बैठे हुए आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहां पर एक साथ में छह ऋतु बहता हुआ है, जहां पर हर तरह का फल, हर तरह का फूल, हर तरह का झरना, सुंदर सरोवर होनी चाहिए। तब तक श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए बोले प्रकृति है मनसा जात, जब कृष्ण इसी मरते जगत में आना चाहते थे, एक दिन बांके बिहारी राधा जी से बोले, बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, चलोगी? बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहां पर गिरिराज नहीं, जहां पर यमुना पटराज नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना वृंदावन धाम नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ। तब कृष्ण बोले देखो राधे मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, ये गोलोक वृंदावन में जो कुछ देखते हो ये सबके सब में ये मरते जगत में उतार लूंगा। मैं जाऊंगा, मेरे ग्वाल बाल पिता माता चलेंगे, तेरे सखियां और तुम्हारी पिता माता भी चलेंगे, ये धाम भी चलेगा। तब राधा रानी बोली फिर मैं चलती हूँ। इसका मतलब है जो भगवान गोलोक वृंदावन से इसी मरते जगत में आए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने ब्रज धाम रूप में प्रकट कर दिए। यदि ये गिरिराज गोवर्धन आए कहां से, इनकी दो कथाएं आती है। एक कथा है जिस समय भगवान राम अभी लंका विजय करना चाहते हैं, समुद्र ने कहा प्रभु आपके पास में दो बंदर है, नल और नील, इनको ऋषियों ने अभिशाप दिया किसी चीज को जब स्पर्श करेंगे वो डूबेगा नहीं तैरेगा, आप पत्थर को द्वारा सेतु बंध बांधो आप उसको पर चलते चलते जा सकते हो। भगवान ने आदेश दिया बड़े से बड़े पत्थर उठा करके लाओ और ये सेतु बंध बनेगी। हनुमान जी ने देखा भैया जल्दी से जल्दी पुल बंध जाए और माँ सीता की उधार हो। तब उन्होंने जब सालमल द्वीप में पहुंचे तो उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को देखा, विशाल गिरिराज गोवर्धन। आप लोग जो गए होंगे, आप लोग दर्शन किए होंगे, जिनको परिक्रमा करने के लिए 6-7 घंटा लगती है, इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन हनुमान जी एक हाथ से उठा लिए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी उठा करके उड़ते हुए आ रहे थे। अभी जहां पर ब्रज में गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर पहुंचे, इतने में फूल बंधना समाप्त हो गया। प्रभु राम बोले देखो बंदर को बोल दो पत्थर लाने का जरूरत नहीं, फूल कंप्लीट हो गई। हनुमान को पास में खबर पहुंचा तो हनुमान जी वहीं रख लिए। लेकिन ये गिरिराज तो साधारण है नहीं, ये तो गोलोक वृंदावन से श्री बांके बिहारी की सेवा के लिए आए। गिरिराज ने कहा हनुमान जी इतने दूर से लाए हो, मेरे को बीच में रखा क्यों? अगर वहां तक ले चलते तो प्रभु चल करके, प्रभु जाते कहां लंका, माँ सीता की सेवा होता, लक्ष्मण भी चलते, भक्तों की सेवा में करता, मेरे को यहाँ पर क्यों रख दिए? बोले चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, अभी तो थोड़ी सी सेवा मिलता, लेकिन उसी समय में जब इंद्र बारिश करेगा ठाकुर जी स्वयं बांके बिहारी तुम्हें कनिष्ठ अंगुल को पर धारण करेंगे 7 दिन तक, और सारे ब्रजवासी तेरे नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी तुम्हारी ऊपर में जल भी वहां पर गैया चराएंगे, रास करेंगे, वहीं पर सुंदर राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, उद्धव कुंड, बड़ी सुंदर सुंदर कुंड बनेगी, गैया को साथ में ठाकुर जी गैया चराएंगे, अभी तक थोड़ी सी सेवा मिलता उसी समय आपको विशेष सेवा की प्राप्ति होगी, इसलिए कोई चिंता मत करो। कहते ये एक कथा है गिरिराज गोवर्धन कैसा है। दूसरी कथा है गिरिराज की, एक ऋषि थे जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। एक समय पुलस्त ऋषि, इनकी जो पिता माता द्रोण और धरा, इनकी पुत्र रूप में ये गिरिराज जी प्रकट हुए द्रोणाचल पर्वत में। जब श्री अगस्त ऋषि वहां पर पहुंचे, पहले ये रहते थे काशी में, काशी में ऐसे कोई स्थान नहीं था
जहाँ पर संत लोग बैठ करके भजन पूजा करके सुंदर फल मूल मिले, सुंदर झरना के पानी मिले, लेकिन जब वहाँ पर पहुंचे सुंदर गिरिराज गोवर्धन को देखा, क्या सुंदर झरना की पानी, एक साथ में से 6 ऋतु बह रही है, हर तरह का फल फूल। अगस्त ऋषि ने उनको पिता माता जी से बोले, आपका ये बेटा गिरिराज को दे दो, हम इसको ले जाना चाहते हैं काशी। अगर कोई बोले आपका बच्चे को दे दो, आप बच्चे दे दो, अभी तो द्रोण धरा तो चिंता में पड़ गए। फिर सोचा अगर मना कर दूं, हो ना हो ये अभिशाप नहीं दे दे, बोले भैया बेटा जाएगा कि नहीं, बेटे को ही पूछ लो। गिरिराज को पूछे, गिरिराज बोले देखो मैं जा सकता हूँ 2 शर्त पर। बोले पहला शर्त, बोले चल कर के नहीं, मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, अगर बीच में कहीं अपवित्र होकर के रख लिया फिर मैं जाऊंगा नहीं। बोले कोई चिंता मत करो। अगस्त ऋषि जिसने एक गंडू समय संपूर्ण समुद्र का जो पानी पी लिया था, उन्होंने गिरिराज को उन्होंने एक हाथ से उठा लिया, उठा करके जा रहे थे। अभी यहाँ पर ब्रज में गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, गिरिराज जी बांके बिहारी से प्रार्थना करा, बोले ठाकुर जी मैं तो आपकी चरण की सेवा के लिए मैं गोलोक वृंदावन से आया हूँ, ये कहाँ मेरे को मरुभूमि में ले जा रहे काशी में फांसी देने के लिए। प्रभु जी अपना चरण में मेरे को रख लो, आपकी सेवा के लिए मैं आया हूँ। भगवान माया ऐसे फहराया, इतने जोर से उनको लघु संख्या लगी, वो रोक नहीं पाए, भूल गए बीच में नहीं उतारनी चाहिए, वहीं पर उतार करके, और ऐसे लघु संख्या लगी घंटे तक खत्म नहीं हुई। उसको बाद में जब गिरिराज को उठाने लगे, गिरिराज टस से मस नहीं हुए। बोले गिरिराज क्या हो गया उठो? बोले आपने प्रतिज्ञा क्या की थी, मेरे को बीच में उतारोगे नहीं, अपवित्र हो जाओगे तो स्पर्श नहीं कर, घंटे तक बैठे हैं, अब लघु संख्या में बीच में उतार कर दिया, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, पल पल में तुम खीण होते जाओगे तिल तिल परिमाण में। इसलिए गिरिराज पहले वर्णन आती है, पहले 64 मील लंबाई, ऊंचाई 40 मील तक थी, इतने विशाल थी, लेकिन अगस्त ऋषि के अभिशाप से ये गिरिराज धीरे 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 नीचे जा रहे हैं। जब घोर कलयुग आएगा, ये गंगा भी नहीं रहेगी, जमुना भी नहीं रहेगी, गिरिराज नहीं रहेंगे, मार मार काट काट शुरू हो जाएगी, हाँ जगत में पाप दुनिया में फैल जाएगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, भैया जितने जल्दी हो प्रभु का भजन करो, यहाँ से चलो, नहीं तो अगर 2 बार जन्म हो गए ना, जैसे हमारी धीरे धीरे संस्कृति खत्म होती जा रही, धीरे धीरे संस्कृति, उसको बाद में मार मार काट काट शुरू हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी पारो प्रभु की भक्ति करो, ठाकुर के पास में चलो, भगवान के पास में चले जाओ। इसलिए वहां पर उन्होंने तिल तिल में खीणी होते जा रही। ये 2 कथा गिरिराज गोवर्धन कैसे आई, इसलिए एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ रात भर बना रही थी। कृष्ण बोले, मैया ये रात भर क्यों इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हो? बोले जा पिताजी को जाकर पूछ। पिताजी की गोद में बैठी गई, बोले बाबा बाबा मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इतने सुंदर सुंदर क्यों बना रही है, क्या मेरी जन्मतिथि है? बोले नहीं लाला। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर क्यों बना रहे हैं? बोले हम श्री इंद्र की पूजा करेंगे। लेकिन कृष्ण क्या चाह रहे थे, ये गिरिराज पूजा को स्थापन करना, ये गिरिराज कोई साधारण नहीं, ये कोई पर्वत नहीं, ये गिरिराज की 2 स्वरूप बताए, 3 स्वरूप बताए। बोले एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश कठोर तपस्या की बांके बिहारी जी की, बांके बिहारी बोले वर मांगो, बोले प्रभु ब्रज में आपकी पहाड़ रूप में जन्म लेकर सेवा करना चाहता हूँ। भगवान तथास्तु बोले, स्वयं शंकर जी नंदगाम जो गए होंगे, ऊपर में देखना नंदीश्वर महादेव, वो पर्वत नहीं वो स्वयं भोले बाबा, बरसाना गए होंगे वो कौन है? अब जो सारे सीढ़ी को पार करोगे सीधा हाथ में देखोगे ब्रह्मा जी की तपस्या तली। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कौन? साक्षात विष्णु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बांके बिहार जी की सेवा के लिए ब्रज में पर्वत रूप में प्रकट हुए। एक स्वरूप तो स्वयं विष्णु, इनके दूसरे स्वरूप में ये स्वयं बांके बिहारी, एक स्वरूप में तो पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजा को ग्रहण किए, इसलिए साक्षात श्री ये भगवान श्री बांके बिहारी है। इसलिए कृष्ण चाहते ही गिरिराज पूजा की प्रकट करे। बोले पिताजी इंद्र पूजा करोगे? बोले क्यों? बोले जो मेघ है परजन्य ये इंद्र के अधीन में रहता है, इंद्र की आदेश होने पर बारिश होती है, बारिश होने पर घास उगता,
गैया घास खा करके दूध देते हैं, दूध से ही मलाई, दूध से राबड़ी, जो कुछ दूध से बनता है। इसलिए बेटा हम इंद्र पूजा करते हैं। बोले पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन दर्शन कर रहे हो, ये ब्रज की ये प्रत्यक्ष देवता है, इनकी कृपा से ही हम ब्रजवास कर रहे हैं। बाबा इनको पहाड़ मत समझो, ये मेघ आकर के गिरिराज में टकराता है, ये बारिश ही होती है। गैया यहीं से ही घास खाते हैं, फल फूल हमें यहीं से मिलता है, यहीं से झरना से सुंदर सुंदर पानी भी मिलता है। पिताजी आप श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। कृष्ण ने कहा पिताजी ये बताओ कब से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले इंद्र को जब पूजा करते हो, जो खाना भोग लगाते हो, आपने देखा इंद्र को खाते हुए? बोले बेटा देखा ही नहीं। बोले पिताजी ये ऐसे के देवता है, इन्हीं आंखों से देखोगे, साक्षात रूप में प्रकट हुए। आपको धन दौलत पुत्र परिवार स्त्री दुकान मकान, आपको जो कुछ आप मांगोगे, ये गिरिराज आपको सारी इच्छाओं को ये गिरिराज पूजा करेगा, पूरी करेगा। बाबा ये गिरिराज सर्व अभिष्ट, ये प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए पिताजी साक्षात रूप में इन्हीं नेत्रों से आप गिरिराज के दर्शन करोगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की। अभी नंदो महाराज जी हो गए। बोले बेटा हम इन श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, जा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो। जितने ब्रजवासी थे, ब्रज में 365 गांव है, अभी भी आप ब्रज में देखो 365 गांव देखोगे, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव नंदगना नंदगांव बरसना जावट कोकिलावन, आप अभी भी 365 गांव देखोगे। इतना वहां पर दाल चावल सब्जी बना करके लाए, उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या है? अन्न मतलब अन्न, कूट मतलब होता है पहाड़, चावल की पहाड़, रोटी की पहाड़, मालपुआ की पहाड़, मिठाई की पहाड़, पहाड़ के पहाड़। कृष्ण अपना हाथों से ये गिरिराज कितने महिमा क्यों, दुनिया बांके बिहारी को पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा किए? गिरिराज गोवर्धन। अपना हाथों से बांके कृष्ण राधा रानी सखिया गिरिराज की पंचामृत से श्री गिरिराज की मैंने अभिषेक करवाया। अभिषेक करके जो कुछ वहां पर खाना लाए थे सब में तुलसी पत्ता दे दिया, और उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को आसन पाद्य आचमन दे करके जब उन्होंने आह्वान किया, हे गिरिराज आप कृपा करके पधारो और प्रसाद को ग्रहण करो, बोलते ही सचमुच से गिरिराज गोवर्धन विशाल रूप लेकर के प्रकट हुए। सारे ब्रजवासी देख रहे थे, जैसे आकाश को जैसे स्पर्श कर रहा था, और गिरिराज गोवर्धन हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे। इसलिए बोले आनो रे और लाओ और लाओ, मिनट में सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिए। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी, हम इतने में ही खुश हो जाओ। फिर गिरिराज गोवर्धन की जब पूजा की, अभी कृष्ण तो सब कुछ खा लिए, उनके एक सखा था जिनका नाम था मधुमग्न, ये ब्राह्मण थोड़े खाने का थोड़ा पसंद करते ज्यादा। बोले कन्हैया ऐसे तेरे भूखे ठाकुर ये सबके सब खा लिया, हमारे इंद्र तो अच्छे ही थे, अच्छे इनकी जो हम पूजा भोग लगाते थे ना, जो सूखा प्रसाद होता था, हम तो एक महीना तक 20 दिन तक सूखा प्रसाद खाते थे, तेरा ऐसे भूखे ठाकुर सबके सब खा लिया, एक किनका भी छोड़ा नहीं। भैया अगले साल से तुम्हारी गिरिराज की पूजा नहीं, हम तो इंद्र पूजा करेंगे, अच्छे इंद्र थे। कृष्ण ने कहा देखो हमारे ठाकुर ऐसे नहीं, सबके सब आग बंद करो, सबके सब आग बंद करो। इतने में गिरिराज जी उन्होंने हाथ घुमा दिया, जो 1 किलो रसगुल्ला लाए थे ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का सूजी के हलवा लाए हो गया 4 किलो, जो 5 किलो पूरी 10 किलो। क्यों? भगवान खाने पर कभी कमी नहीं पड़ता है, हम कहते हैं ना प्रसाद कभी कमी नहीं होता है। ठाकुर जी हाथ घुमाए तो सबके सब डबल हो गया। जितने ब्रजवासी थे तरस उठे, बोले भैया हम तो ठग गए। बोले क्यों? हमें पता नहीं था सब डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा ज्यादा बना करके ले जाते हैं। कृष्ण ने बोले भैया चकाचक भजन करो, चलो खाते पीते हम सबके सब गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। कृष्ण स्वयं, क्यों गिरिराज कितने महिमा, बांके बिहारी स्वयं की परिक्रमा की राधा रानी सखा सखियों के साथ में। बोले पहले कौन चल रहे थे? पहले ब्राह्मण संत चल रहे थे, उसको पीछे जितनी गैया चल रहे थे, उसको पीछे ब्रजवासी, और पीछे माताएं, और सबसे पीछे गोपियां, और राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी।
जब गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, जब परिक्रमा गिरिराज जी कर रहे थे, इतने में राधा रानी भी वहां पर थी। अभी राधा रानी के मन में इच्छा हुई, तभी मैं श्याम सुंदर को अपना प्रियतम मानूंगी, क्योंकि राधा कृष्ण तत्व तो दो नहीं, राधा कृष्ण तत्व तो एक ही है, लेकिन केवल लीला करने के लिए वो केवल दो रूप धारण किए हैं। इतने में राधा रानी सोच रही हैं, तभी मैं अपना श्याम सुंदर को प्रियतम मानूंगी अगर वो मेरी मन की भावना को समझे और एक बार मेरे को दर्शन दे दे। अभी चिंता करते कृष्ण तो समझ गए, राधा रानी तो पीछे, कृष्ण तो बीच में, अभी राधा जी को दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण गैया चरण का जो लकुटी थी, वो लकुटी को ऐसे उन्होंने फेंकी, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गए, इतने में राधा जी की दो आंखें और कृष्ण की दो आंख मिलकर के एक हो गया। राधा रानी कृष्ण को दर्शन करते हुए प्रेम में तो राधा रानी गदगद हो गई, खुश हो गई। और थोड़ी दूर गए, इतने में राधा रानी सोच रही है, मैं तभी श्याम सुंदर का अपना प्रियतम रूप मानूंगी अगर श्याम सुंदर आकर के मेरे को स्पर्श कर दे। अभी कृष्ण राधा जी की मन की भावना समझ गए, वो पीछे स्पर्श कैसे करे। उन्होंने एक बछड़े को पीछे करके ना उसका पूछ को ऐंठ दिया, वो बछड़ा फुदकते हुए पीछे चला गया और कृष्ण उसको लेने का बहाना बनाए और पीछे गए, राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर दिया। राधा रानी का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गई। थोड़ी दूर फिर गए, गए तो फिर राधा जी की इच्छा हुई कृष्ण दर्शन करे। कृष्ण सोचे कैसे दर्शन करूं, कृष्ण का जो लकुटी थी वो लकुटी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई। इतने में कृष्ण अपना लकुटी को ऊंचा की, ऊंचा करते ही वो लकुटी में जो हीरे जवाहरात थी, कृष्ण का परछाई प्रतिबिंब हुई। प्रतिबिंब होने पर राधा रानी जो पीछे चल रही थी, वहीं से उन्होंने प्रतिबिंब रूप में श्री बांके बिहारी को दर्शन कर ली। ऐसे ही परिक्रमा करते करते चल रहे थे और कृष्ण वरदान दिया। जब परिक्रमा हो गई, गिरिराज वरदान दिए, हे ब्रजवासियों, आज का दिन मेरी सेवा में एक अन्न की दाना जिसने भोग लगाई, ये स्वयं गिरिराज जी कह रहे हैं, बांके बिहारी, एक अन्न की दाना जो मेरे सेवा में दे दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में, इसी जीवन नहीं किसी जीवन में भी घर में उसकी अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं होगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये वरदान है। अगर आप गिरिराज में कभी भी जाओ, देखोगे दान घाटी, कभी आप कुछरी की लौठा, कभी जाओ जतिपुरा में, देखोगे 12 महीना वहां पर अन्न छत्र छप्पन भोग चलती रहती। क्यों? ठाकुर जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए धन दौलत पुत्र परिवार सब इच्छा श्री गिरिराज पूरा करने वाली। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो गिरिराज वहां ले गए ना, देखो इसको बाद में वहां बीच में सख्यात गिरिराज गोवर्धन है, आप लोग उसको 4 बार परिक्रमा लगाना, क्योंकि जब गिरिराज की हम परिक्रमा करते हैं, बांके बिहारी इसको पीछे पीछे स्वयं घूमते हैं, स्वयं भगवान वो जो मांगे ठाकुर जी वही दे देते हैं। और एक चीज हमारे गुरु जी कहते थे, देखो धन दौलत पुत्र